क्लास ट्वेल्थ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप लोग का थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके मिसलेनियस का डिस्कशन करने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को फ्रॉम थ्योरी टू ऑल एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज वी हैव डिस्कस्ड, हम लोगों ने पूरे के पूरे जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन थे, एक्सरसाइज थे और उसके बाद उसके एग्जांपल्स थे, सारे मैंने डिस्कशन किए थे, सारे फॉर्मूले को प्रूफ करके उसके बाद मैंने आगे प्रोसीड किया था। अब ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या है कि मैंने आप लोगों को जहां से स्टार्टिंग किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थ्री, जैसा कि आपका 11.1 जहां से स्टार्ट हुआ है, तो 11.1 के बाद जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक से, हर टॉपिक से क्वेश्चन को कलेक्ट करके वो डालेगा और थोड़ा क्वेश्चन का लेवल भी मिला जुला करके ठीक रहता है। तो ये आप लोग का मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो आप लोग की मिसलेनियस का पहला तो मैं एग्जांपल की तरफ चलूंगा। देखिए आपका एग्जांपल 26 कुछ बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपको मैं क्वेश्चन नंबर 26 की कहानी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2019 में इस सेमेस्टर भी इसमें भी पूछा गया, यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया, कई बार आपको यूपीएससी में भी पूछा गया। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें इमेजिनेशन जो है, मतलब मैथमेटिक्स ऑप्शन पेपर लेता है उसमें पूछा गया था। तो एक्चुअली है क्या कि ये जो क्वेश्चन इसलिए बार बार पूछा जाता है क्योंकि अगर बच्चे रट के बनाए हैं तो वो डेफिनेटली रूप से क्या करते हैं, आंसर मिलाने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में उसको मार्क्स मिलते नहीं। अगर उसके पास इमेजिनेशन नहीं हो इस क्वेश्चन के बारे में, इसका फिगर किस तरह से ड्रॉ होगा, क्या ये क्वेश्चन कहता है, उसकी फीलिंग्स आपके पास नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। और फिर उस केस में तो सिविल सर्विस जैसे एग्जामिनेशन में आपको तो मार्क्स देने के लिए बैठा नहीं है लोग। सबसे पहला एक क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्या कहता है। ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ क्यूब। इसमें बता रहा है कि एक क्यूब है और उसके डायगोनल्स के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कोई भी लाइन अगर, जैसे मान लीजिए आप लोग पहले फील कीजिए कि आप अपने कमरे में और आप अपने कमरे के सरफेस जिस पे आप खड़े हैं उसके एक कॉर्नर से जस्ट उसके अपोजिट वाले कॉर्नर को मिलाइए तो एक डायगोनल बनेगी और एक दूसरा डायगोनल बनती है, तो टोटल मिलाकर यहां पर कितने पॉसिबिलिटी बनती है डायगोनल बनने का, अगर इसको मैं क्यूब की शेप का मानूं। और क्यूब शेप का मतलब आप जानते हो कि जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम के फॉर्म में होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है, तो वो क्यूब का फॉर्म आता है। तो जस्ट लाइक क्यूब क्या है, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम ब्रेथ एंड हाइट विल बी सेम। तो अगर आप एक क्यूब के अंदर में डायगोनल की पॉसिबिलिटी जानोगे तो कितने डायगोनल्स पॉसिबल हो सकते हैं, 4 डायगोनल्स पॉसिबल हो सकते हैं। आप ध्यान से कमरे में बैठ के देखेंगे, क्योंकि देखिए डायगोनल्स का डेफिनेशन ही होता है लाइन वेलिंग टू अपोजिट वर्टेक्स नॉट ए एडजेसेंट। तो यहाँ पे अपोजिट का मतलब होता है कि अगर आप एक, मान लीजिए कि समझने के लिए अगर मैं एक वर्टेक्स को, मैं जिस रूम के अंदर में रहता हूं उस रूम के एक वर्टेक्स को फिक्स कर दूं तो उस वर्टेक्स के एडजेसेंट के अलावे दो पॉइंट जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि टोटल के टोटल अल्टरनेट दो पॉइंट होते हैं, तो टोटल के टोटल जो होते हैं वो आपका 4 जो होगा डायगोनल से आपका पॉसिबिलिटी बन जाता है। अगर ये 4 डायगोनल्स होते हैं तो इस डायगोनल्स की लेंथ कितनी होती, थोड़ा इसकी भी बात मैं आपको बता देता हूं। तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब विल बी √3 टाइम्स साइड, जो कि आप लोग अगर आप लोगों को नीचे क्लास में पढ़ेंगे वरना आप फिगर की इमेजिनेशन से प्रूफ कर सकते। एक्चुअली ये जो है √3 टाइम्स है, कोई बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, बहुत ही सिंपल है, केवल आप उसके फिगर के अंदर को थोड़ा इमेज करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है कि अगर मैं इस चीज को जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है इसके बारे में बताने के लिए चलूं, तो बोल रहा है कोई लाइन है, अगर मैं कोई लाइन उस, मतलब उस फिगर या आपको मान लीजिए रेक्टेंगुलर जो है पैरेललोग्राम जिसको मैंने इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट को सेम मानते हुए जिसको मैंने बोला यहां पे क्यूबॉइड के फॉर्म में है, उसमें अगर मैं कोई लाइन इसके अंदर से खींचूं तो डेफिनेटली वो चारों डायगोनल से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। तो उसमें बता रहा है कि वो 4 डायगोनल से जो एंगल बना रही है वो अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एंगल बना रही है। तो उसमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। और कई टाइम्स यहाँ पे साइन स्क्वायर वाला भी पूछता जो कि इसके हेल्प से ऑपरेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मेरी क्या टारगेट होनी चाहिए वो चीज हम लोग यहां सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। देखिए सबसे पहला जो है यहाँ पर इसका फिगर, अगर आप अच्छे ढंग से बना सकते हैं इसको, दो तरह से मैं आपको बता सकता हूँ फिगर बना करके, बट जो सबसे इजी है आपके
मैं उस मेथड से आप लोगों को हेल्प करता हूँ। इसके दो मेथड्स हैं, आप यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि किस तरह से इसका फिगर बनाते हैं, क्योंकि फिगर का अगर इमेजिन नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहला क्या है कि मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन बस यही एक दो क्वेश्चन शुरू के ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज सारा क्वेश्चन सब नॉर्मल आ जाएगा। मैं अगर इसको ओरिजिन मान लो, एक मिनट के लिए मान लो, जिसको मैंने ओरिजिन मान लिया और इसको मैं एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस और इसको मैं अगर जेड एक्सिस मान लिया, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा। अगर मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, देखिएगा, और ये इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये जो आपका है, अगर मैं मान लिया कि यहां से यहां ये है और यहां से यहां भी ये, इसके बाद क्या है कि ऊपर भी मुझे ये लेना पड़ेगा और इधर से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। देखेंगे आप लोग, चलिए मैंने की है कोशिश, क्या है ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना, अगर नहीं बना हो तो आप लोग खुद से बना लेंगे। देखिए ये जो मैंने फिगर बनाया है, क्या आप लोग को लगता है कि जस्ट लाइक के डाइस है? देखिए इसमें मैंने इस तरह से फिगर को बनाया है कि जो सिस्टम है मेरा, आप लोगों को मैंने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की क्वाड्रेंट के फॉर्म में मैंने काफी अच्छे ढंग से एनालिसिस किया था। तो ये जो आपका ओ एक्स, मान लो कि ये मेरा पॉइंट ओ है, मेरा ये ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, ये मेरा ई है, और ये मेरा एफ और ये मेरा जी है। तो अगर इसे आप क्यूबाइड के फॉर्म को देखोगे, सबसे पहले देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो मैं आपको डिस्कशन करना चाह रहा हूं, यही चीज में, अदरवाइज सारा क्वेश्चन क्लियर है, बट मैं आपको बता दू करीब करीब सिविल सर्विस में 20 नंबर में क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, क्योंकि पांच क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर में पांच रहता तो 20-25 सौ नंबर का रहता है एक क्वेश्चन, तो 100 नंबर का एक क्वेश्चन रहता उसके एक पार्ट में ये भी था, तो ये भी प्रूफ करने के लिए दिया था। तो देखिए अगर आप फिगर को समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना डायगोनल्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। एक डायगोनल आपका ओ ही होगा, आप कहेंगे इतना छोटा डायगोनल, ये छोटा नहीं बहुत बड़ा डायगोनल है, इससे इस क्यूबॉइड के अंदर में जितने डायगोनल्स एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि आपका डायगोनल होगा AD, एक डायगोनल होगा BG, एक डायगोनल होगा CF और एक डायगोनल होगा OE, ये सारा का सारा डायगोनल का लेंथ में क्या है, सिर्फ आपको लगता है कि OE काफी करीब है, ये 3D फिगर है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बट यहाँ पे जो OE का लेंथ है वो AD के बराबर है, BG के बराबर है, CF के बराबर है, कोई भी लेंथ में या मेजर में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। तो इस OE का जितना मतलब लेंथ है उतना ही सारा डायगोनल्स का लेंथ है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से एकदम शांतिपूर्वक देखिए कि ये क्यूबॉइड की जैसा लगता है कि नहीं, और ये लगता हो क्या कि एक सिस्टम है जिसमें क्या क्या इसको उठा के डैश को रख दिया गया, जिसका ये है ना इस कोना पे रखा हुआ, इस तरह से आपको फील होता होगा। अगर मैं मान लिया कि मेरा ये आपका ए है, इसके इसमें इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा इसका, डेफिनेटली आप ए का कोऑर्डिनेट बोलोगे A00, और इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूं तो इसको बोलोगे 0A0, और अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट कहूंगा तो 0A0 है, ये तीन कोऑर्डिनेट करने में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगर इस पॉइंट ई की कोऑर्डिनेट की बात करूंगा, ध्यान से यहां पर भी देख लेंगे तो ई का कोऑर्डिनेट डेफिनेटली आप ए ए ए बोलो, यहां पर ये भी करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस एक्सवे प्लेन की बात करूंगा, इसमें आपका ए ए और ये आपका जीरो करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वाइजेड प्लेन में चलेंगे तो ये भी आपका वाइजेड प्लेन में, तो डेफिनेटली इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0A1 कहने में कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखेंगे, यही चीज इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है तो आप लोग याद ही करें इसको, नहीं आता तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और ये आपका अगर एक्सेल प्लेन है जिसमें वाई कोऑर्डिनेट जीरो, मतलब यहाँ पे क्या होगा एक्स और जेड का वैल्यू हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी इसके कोऑर्डिनेट का फॉर्म था वो मैंने इस पे लिख दिया। अब बात आती है कि मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले क्या लिखूंगा, लेट ओ ए बी सी डी ई एफ जी बी ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड पाइप्ड हैविंग
लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एंड हाइट बी सेम इज इक्वल टू ए। मैंने मान लिया ये चीज दिया हुआ है, ठीक। अब अगर मैं ये माना एंड ये हो गया हेयर ओई, ध्यान से देखेंगे ओई एडी, ओई एडी बी जी सी एफ, बी जी सी एफ बी एंड सी एफ बी डायगनल्स ऑफ क्यूबॉइड बोले या रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम, मतलब क्या स्क्वायर्ड पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि आपका क्यूबॉइड के फॉर्म में चल जाए। डायगनल्स ऑफ क्यूबॉइड ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसका जब वो क्या है डायगनल्स है। चलिए और जो है लेट, एक इंपॉर्टेंट बात वो भी मैं लिख लेता हूं या इसको मैं बाद में लिखूंगा। चलिए आप अगर पहले क्वेश्चंस को पहले सीख लेते हैं तो बेहतर रहेगी, तो इसी को मैं लिख लेता हूं। लेट द लाइन द गिवन लाइन, लेट द गिवन लाइन मैक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विथ डायगनल्स ओई ए डी बी जी एंड सी एफ रिस्पेक्टिवली। ध्यान से आप लोग देखेंगे, देखिए मैंने क्या लिखा है, वो जो लाइन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के सॉरी बोर्ड ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो जो लाइन जो इसके डायगनल यहां पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विथ द डायगनल्स ऑफ ए क्यूब। अच्छा मैंने क्यूबॉइड लिख दिया कहीं पे, क्यूब हुआ, ध्यान से देखिए। तो यहां पे अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एंगल जो बनाया गया इसके डायगनल के साथ बनाया गया, तो यहां पे मैं मान लिया कि वो जो लाइन है जो डिफरेंट डिफरेंट डायगनल्स के साथ अल्फा बीटा एंड गामा एंगल को बना रही है, मान लिया वो मेरा कोई लाइन है जो अल्फा बीटा एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल जो बना रही है, अल्फा वही डायगनल के साथ एडी डायगनल के साथ बीटा बीजी डायगनल के साथ गामा और सीएफ डायगनल के साथ डेल्टा एंगल बनाती है। तो अब मुझे अगर यहां पे ये सारी एंगल्स बनाती है तो सबसे पहले मैं टारगेट लेता हूं, ठीक, या आप यहां पर लिख लिए, यहां तक अगर आप लोगों ने लिख लिया तो अब एक और भी लिख लेंगे, द गिवन लाइन मैक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा, अच्छा एंड इसमें एक सेंटेंस और भी जोड़ लेंगे, एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन भी नीचे अगर आप लोग को दिख रही है तो देख लेते हैं, गिवन लाइन भी एल एम एल। और यहां पे क्या है कि वो जो लाइन है उसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या मेरी एल एम एन है, जो कि डायगनल के साथ एंगल को फॉर्म करती है। अब इसके बाद क्या है कि यहां पे आप देख रहे हैं कि आपका ओई एडी बीजी एंड सी एफ बी द लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम हैविंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट बी बी सेम, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज ए क्यूब। मतलब यहां पे मेरा इस क्यूब के डायगनल का लेंथ हम लोग बोल सकते हैं क्या, सिंस OE इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BG इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स लेंथ ऑफ साइड दैट मींस A। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं रूट थ्री टाइम्स है। चलिए अगर आप लोगों ने यहां तक लिख लिया तो नेक्स्ट मेरा यहां पे पॉइंट आते हैं, सबसे पहले आप लोग यहां तक लिखिए फटाफट। अब जो है मेरा एंगल फाइंड करने से पहले मैं अब यहां पे क्या करता हूं, चलिए यहां तक आप लोगों ने कर लिया, बिता लेते हम लोग यहां पर, आप लोग फटाफट लिखते चले, थोड़ा सी क्वेश्चन लेंथी बनेगी बट क्योंकि आप समझ सकते हैं सिविल सर्विस में ये क्वेश्चन को डाल दिया तो उतना आसान तो होगी नहीं कि वो पूछ देता है। अब इसको मैं मिटा लेता हूं, अगर इसको मिटा दिया तो आप देखिए थोड़ा सा ये सारे पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। तो अब क्या है कि अगर मैं यहां पर बोलू
में बात करता हूं, सबसे पहले लिखती हूं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओई। अगर मैं निकालू तो आप क्या बोलोगे? डायरेक्शन कोसाइन बोलोगे। तो ये क्या है, ओई का जो ओ ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है और ए जो है वो ए ए ए है। तो डायरेक्शन कोसाइन लाइन जॉइनिंग, एक बार मैं लिख देता हूं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ऑफ ओई अगर मैं निकालू तो इसके लिए मैं कैसे निकालूंगा? तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया होगा, किसी वीडियो में अगर आप जाकर देखेंगे तो उसमें पढ़ाया था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी हैविंग कोऑर्डिनेट विल बी x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 विल बी x2 - x1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, y2 - y1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, z2 - z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो ये जो फॉर्मूले थे मेरे लिए, उस फॉर्मूला का अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये मेरा कोऑर्डिनेट है, ऑरिजिन है, तो ये तो उससे सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओई विच विल बी √3 टाइम्स ए। सिमिलरली मैं यहां पे ये भी बोल सकता हूं ए अपॉन √3 है, ये भी हो जाएगी और थर्ड भी क्या जाएगी ए अपॉन √3 है। दैट इंप्लाई दैट इसको मैं बोल सकता हूं 1 अपॉन √3। अगर आप लोगों ने यहां तक 1 अपॉन √3 को निकाल तो डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ ओ ही निकाल दिया। तो यहां से मैं एक चीज और निकालना चाहता हूं सिमिलरली। अब देखिए बच्चे की तरह मैं करूंगा नहीं कि एक एक डायग्राम्स का निकालते चलूंगा। अगर मैं यहां सिमिलरली अप्लाई करूं फिर भी मैं बता देता हूं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एडी करूंगा तो यहां से मेरी क्या आएगी एडी। कैसे निकालता हूं मैं आपको यह भी बता चुका हूं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सॉरी ओडी कराओ एडी। एडी ए मेरा यहां है, डी मेरा यहां, तो एडी अगर मैं निकालूंगा तो यहां से क्या होगा 0 - a दैट मीन्स माइनस ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एडी दैट विल बी √3 ए। इस तरह से फिर आएगा ए माइनस 0 दैट मीन्स ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एडी, फिर ए माइनस 0 दैट विल बी आल्सो ए डिवाइडेड बाय √3। दैट इंप्लाई दैट -1 अपॉन √3 ये भी आपका आ जाएगा 1 अपॉन √3 और ये भी आपका आ जाएगा 1 अपॉन √3। ये क्या हुआ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओई के बाद आपका एडी आ गया। अगर आप कहे तो मैं आप सारे एक और डायग्राम जो आपका नेक्स्ट आता है वो आपका कौन सा आता है ध्यान से देखेंगे, वो आता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सीएफ। अगर मैं लिखू तो आप क्या बोलोगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सीएफ की अगर मैं बात करूंगा तो मेरा क्या होगा ए अपॉन, मतलब डायरेक्ट में लिखने का कोशिश करता हूं 1 अपॉन √3 -1 अपॉन √3 और तीसरा आपका आ जाएगा 1 अपॉन √3। मैं डायरेक्ट लिख दिया। सिमिलरली आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यहां पर नीचे लिख लेता हूं आप लोग को दिख रही होगी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ। अगर मैं बीजी निकाला तो मुझे क्या निकलेगी बीजी का, बीजी बोले या जीबी बोले कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां से इसका निकालते जीबी बोले तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जीबी अगर मैं लूंगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन √3 और लास्ट में जो आएगा वो आएगा -1 अपॉन √3। ये जो हो गई वो मेरा क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ऑल 4 डायगोनल्स ऑफ दिस क्यूब। तो इस क्यूब का क्या हो गया, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब यहां से क्या आती है ध्यान से देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग चले डिस्कस करने के लिए। मैंने माना कि अल्फा इज दैट एंगल व्हिच इज मेड बाय दैट गिवन लाइन एंड डायगोनल ओई। तो इस केस में आप जैसा कि जानते हैं कि आपका जो वो लाइन जो दिया गया लाइन है जो कि फॉर डिफरेंट डिफरेंट डायगोनल्स के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल्स जो बनाया है वो उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एंड एन है, जबकि इस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओई जो है आपका 1 अपॉन √3 1 अपॉन √3 1 अपॉन √3। इस केस में अगर मैं दोनों के बीच से एंगल निकालने के लिए चला तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगी L1 into 1 upon √3 प्लस L2 into 1 upon √3 M1 plus N1 into 1 upon √3 मैंने L1 into 1 upon √3 M1 into 1 upon √3 L1 into 1 upon √3 क्योंकि मैंने आपको बताया था एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन कोसाइन्स भी L1 M1 N1 एंड L2 L2 M2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज
cos alpha, where alpha is the angle between them, is equal to L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2. In that case, यहां तक अगर आप लोगों ने लिख लिया तो मैं थोड़ा सा आगे एक लाइन और भी बढ़ा लू. ध्यान से आप लोग देख लिए. देखिए अब क्या है कि अगर मैं याद रखेंगे OE, AD, CF और GB, और आप जैसा कि जानते हैं कि वो आपका डायगोनल जो है वो अल्फा एंगल बना रही है OE और OE और उस लाइन के बीच, बीटा एंगल AD के बीच, साथ CF के साथ जो आपका है गामा एंगल, और ये जो आपका GB है इसके साथ आपका डेल्टा एंगल. तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके एक लाइन आगे बढ़ूं तो आप लोग के लिए ज्यादा फायदा होगी. मैं आप क्या करता हूं ध्यान से देखिए. अब यहां से बोल सकता हूं सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, मेरा क्या होगा आराम से मैं लिख सकता हूं. आपको मैंने एल एम एन जो लिखा उसमें से आप अगर कोरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/√3 समय से क्या हो जाएगा, मतलब कॉमन आ जाएगी और बच क्या जाएगी एल प्लस एम प्लस एन. फिर आपका जो कॉस बीटा है वो मेरा क्या है एंगल बिटवीन दैट लाइन एंड एडी, और एडी का मेरा डायरेक्शन क्वेश्चन कितना था 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3. उसको अगर आप एल एम एन से मल्टीप्लाई करोगे तो एल अपॉन रूट थ्री माइनस एम अपॉन रूट थ्री प्लस एन अपॉन रूट थ्री. दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं 1/√3 इंटू माइनस एल प्लस एम प्लस एन, सॉरी यहां पे पहला टर्म में माइनस आपका. फिर आपका आएगा अगर मैं सीएफ लूंगा तो यहां से बोल सकता हूं कॉस गामा इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एल माइनस एम प्लस एन, क्योंकि इसका जो कहने का मतलब ये जो आपका गामा क्या है एंगल बिटवीन सीएफ एंड दैट गिवन लाइन, हेयर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सीएफ विल बी 1/√3 माइनस 1/√3 एंड 1/√3. फिर मैं अगर यहां से कॉस डेल्टा को निकालने को चला तो यहां से 1/√3 बाहर आ जाएगी, बचेगी एल प्लस एम माइनस एन. सो अगर मैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो ये आपका 1/√3 कॉमन आ जाएगी सारे टर्म्स में और बच क्या जाएगी एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस एल एल माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस एल एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर. यानी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये 1/3 इंटू, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे क्योंकि देखिए अल्टरनेट टर्म्स क्या है नेगेटिव, तो 2ab वाला 2bc वाला 2ca वाला जैसे कि आप लोग a plus b plus c का स्क्वायर जानते होंगे, तो सारा आपका एक नेगेटिव अल्टरनेट नेगेटिव की वजह से 2ab वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम्स फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला टर्म जो सारे कैंसिल हो जाएंगे और रिमेंस जो टर्म बचेंगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और इच टर्म में क्या है कि ये अवेलेबल है. तो अगर मैं सबसे सारे टर्म्स में कॉमन लूंगा तो 2 इसमें एक आएगा या किसी में आएगा या किसी में आएगा, टोटल ना करके 4l² 4n² 4n² और सारे में से अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. और अगर आप बच्चे की तरह करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं 4/3 क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर. अगर आप बच्चे की तरह इसको स्प्लिट करना चाहते हो तो आप आराम से कर लो, इसको तोड़ोगे तो सारा कर देगा, केवल एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 4 टाइम्स से बच जाएगी. और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के वैल्यू हम लोग जानते हैं वन है वेयर एल एम एंड एल एम एंड एन आर डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ द गिवन. सो फाइनली इसका वैल्यू क्या आ गया 4/3 प्रूफ हो गया. चलिए इसी में कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि ये sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा का वैल्यू, अच्छा एक टर्म और भूल गए इसमें cos स्क्वायर गामा cos स्क्वायर डेल्टा, तो यहां पर कभी कभी sin स्क्वायर डेल्टा पूछ देता है तो बहुत इजी होता है, इसी की हेल्प से आप उसको भी फाइंड कर सकते हो. 1 cos स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हो 1 sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा को 1 sin स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा को लिख सकते हो 1 sin स्क्वायर गामा, और आपका cos स्क्वायर डेल्टा को लिख सकते हो 1 cos स्क्वायर डेल्टा और sin स्क्वायर डेल्टा, और इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो इसको फाइंड कर सकते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, देख लीजिए आप लोगों ने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, तो बहुत ही मजेदार है. बस बचते कि आप लोग थोड़ा सा इसको इस फिगर का इमेजिनेशन, इसका फिगर दो तरह से बनता है मैंने जैसा कि आपको बताया. चलिए आप लोगों ने क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे मुझे पूरा विश्वास है. अगर आप लोगों को थोड़ा सा कुछ भी नॉलेज नहीं रखना है बस थोड़ा सा फिगर को अच्छे से समझना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस को रट लेना. चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे हम लोगों ने. देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 27. देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला, मैंने इस क्वेश्चन को बताने में आधा घंटा आप लोगों को साथ टाइम दिया. अब देखिए 27 में क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड कंटेन्स द पॉइंट टू 1-1, 2 एंड इज परपेंडिकुलर
each of the planes 2x plus 3 minus 2 is equal to 5 and x plus 2 minus 3 plus 8 is equal to 0. Is equal to 8. तो कह रहा है कि find the equation of the plane that contains the point 1 minus 1 and 2. तो सबसे पहले मैं मान लिया let the required plane will be x plus by plus cz plus d is equal to 0. मैंने मान लिया मेरा plane. अब ये बोल रहा है कि 1 minus 1 और 2 से pass कर रही है. That means इस plane में वो lie करती है. Since 1 माइनस 1 2 इसको अगर मैं पाई 1 मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं. लाइज इन लाइज ऑन पाई 1. सो यहां पे मैं इसको एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर सकता हूं. तो ए माइनस बी प्लस 2 सी प्लस डी इक्वल टू 0. सो मैं यहां से अगर डी का वैल्यू निकाला तो मुझे क्या आ गया माइनस ए माइनस बी प्लस 2 सी. यहां तक मैं आप लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं ना. अब क्या करता हूं ध्यान से देखिए. इस डी में अगर मैं इसे पुट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगी ए ए के जगह पे डी के जगह पर अगर मैं रखूंगा तो ये मेरा क्या होगा एक एक्स कॉमन ए कॉमन आएगी तो बचेगी एक्स माइनस वन प्लस. और अगर आप बी वाई के जगह पे अगर इसको रखें तो माइनस माइनस प्लस बी. यहाँ पे डी की जगह पे रख रहा हूँ ना तो प्लस बी होगा. तो यहाँ पे अगर बी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा वाई प्लस वन प्लस. अगर आप जेड की जगह पे रखोगे तो आपका जेड का वैल्यू क्या होगा माइनस टू सी. और अगर आप यहाँ से सी कॉमन लोगे तो आपका बचेगा जेड माइनस टू प्लस. और आपका डी का तो पहले आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. फाइनली आपका ये चीज आपका बच जाएगा. ये मेरा हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब कहता है एंड इज परपेंडिकुलर ईच ऑफ द प्लेन्स टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू फाइव. तो एक प्लेन दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे वो दिया हुआ है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू फाइव. ये मेरा पाई टू दिया हुआ है प्लेन टू. और एक मैंने पाई थ्री मान लिया प्लेन थ्री जो कि दिया हुआ है x प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू एट. ये मेरा पाई थ्री दिया हुआ है. इसमें बता दिया कि ये जो प्लेन है अगर मैं इसी को इक्वेशन फर्स्ट माना ये जो मैंने पाई वन जिसे माना है ये पाई वन जैसे मैंने यहां ऑब्टेन किया है ये पाई वन जो है पाई टू और पाई थ्री दोनों भी परपेंडिकुलर है. मीन्स दैट डेफिनेटली रूप से यहां पर बोल सकता हूं सिंस पाई वन इज परपेंडिकुलर टू पाई टू सो मैं यहां से बोल सकता हूं a इंटू टू ए प्लस थ्री बी माइनस टू सी. यहां से बोल सकता हूं टू ए माइनस टू बी सॉरी प्लस थ्री बी टू ए प्लस थ्री बी माइनस टू सी इज इक्वल टू जीरो. एंड उसके बाद जो आपका वो ये है वो है आपका पाई वन. यहां पर पाई वन आप लोगों के लिए a प्लस टू बी माइनस थ्री सी ए प्लस टू बी माइनस थ्री सी इक्वल टू जीरो. ये हम लोगों ने ऑब्टेन किया. अगर हम लोगों ने ये ले आया अब मैं क्या करता हूँ यहां से लिख सकता हूँ ध्यान से देखिए. अगर मैं इसको ले आया अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ. इसमें अगर टू से मल्टीप्लाई किया तो यहां से टू ए प्लस टू बी टू टू जब फोर बी और माइनस सिक्स सी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी. दोनों को एक साथ अगर मैं कर लिया तो टू ए प्लस थ्री बी माइनस टू सी इज इक्वल टू जीरो एक साथ कर लिया तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगी खत्म हो जाएगी. यहां से आपका बी बराबर क्या आ गया फोर सी. बी का वैल्यू क्या निकला फोर सी. अगर बी का वैल्यू फोर सी आया तो मैं यहां से लिखूं सिंस ए प्लस टू बी माइनस थ्री सी इक्वल टू जीरो. अगर मैं बी के जगह पे फोर रखा तो फोर टू क्या होगा एक एक में से थ्री गया फाइव सी. सो ए बराबर मेरा माइनस फाइव सी. ए का भी वैल्यू निकल गया सी के फॉर्म में बी का भी वैल्यू सी के फॉर्म में तो और सी तो खुद सी के फॉर्म में है ही. तो अब क्या करना है मुझे अब मैं ऊपर वाला भी डालू ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग. मैं क्या कर रहा हूं अब क्या करना है आराम से ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है क्या मिला मुझे. सो ए की जगह पे मैं यहां इक्वेशन लिख लीजिए पुटिंग इक्वेशन हुआ पुटिंग इन इक्वेशन हुआ. तो इस केस में ए की जगह पे अगर मैं माइनस फाइव सी रखा तो मैं रख सकता हूं माइनस फाइव सी इंटू एक्स माइनस वन प्लस. बी की जगह पे अगर मैं फोर सी रखा तो रख सकता हूं फोर सी इंटू वाई प्लस वन. और सी की जगह पे मैं सी इंटू जेड माइनस टू रखा तो कोई दिक्कत नहीं होगी. आफ्टर डिवाइडिंग ऑन आफ्टर डिवाइडिंग बाई सी ऑन बोथ साइड इफ सी इज इक्वल टू नॉट जीरो देन वी कैन डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई सी. तो मुझे क्या मिलेगी माइनस फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस फाइव प्लस फोर सी सॉरी प्लस फोर वाई प्लस फोर प्लस जेड माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. अब यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो बोथ साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई तो फाइव एक्स माइनस फोर वाई
माइनस है, ये माइनस फाइव माइनस फोर और ये प्लस टू, पांच चार नौ निगेटिव में जाएगी और दो पॉजिटिव माइनस सेवन प्लस जीरो। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन ऑफ प्लेन को फाइंड कर दिया। तो यही हो गया मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक, तो क्वेश्चंस काफी इजी थे, बस इसमें क्या था कि क्वेश्चंस में थोड़ा सा दो चार पॉइंट्स को ऐड कर दिए ताकि बच्चे को लगे क्या कि हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को किए ही नहीं, वरना आप तो देखे ही थे कितना इजी था। चलिए अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन को बना लिया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं। कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 लिखे आप लोग ध्यान से, 29 में बोल रहा है सो दैट द लाइंस एक्स माइनस ए प्लस डी, ध्यान से देखेंगे एक्स माइनस ए प्लस डी, ये भी बच्चा वाला क्वेश्चन है, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू वाई माइनस ए अपॉन अल्फा, वाई माइनस ए अपॉन अल्फा इज इक्वल टू जेड माइनस ए इज इक्वल टू जेड माइनस ए माइनस डी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस डेल्टा। देखिए इक्वेशन कुछ भी दिया हो वो बाद की बात है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपका ये किसी ना किसी किसका इक्वेशन होगा, या आपका किसका इक्वेशन हो गया, लायंस का इक्वेशन हो गया। अगर ये लायंस का इक्वेशन है तो वो बाद की बात है, किसी भी लायंस का इक्वेशन होगा, लेकिन मैं सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्मूला आने का कोशिश करूंगा। अगर मैं इसको मान ले मेरा एल वन ही है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए माइनस डी डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस डेल्टा और वाई माइनस ए अपॉन अल्फा इज इक्वल टू जेड माइनस ए प्लस डी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस डेल्टा। अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू एक्स वन वाई वन जेड वन एंड पैरेलल टू दैट लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो एल वन एम वन एन वन, इस तरह से मैंने कोई सिंबल और भी हो सकता है सर, ए वन बी वन सी वन था, हाँ ए वन बी वन सी वन डायरेक्शन रेशियो, देन इट विल बी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, ये मैंने पढ़ाया था। तो उसके मुताबिक यही बात वही इक्वेशन जो है आपका यहां पर भी बताया गया। चलिए अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा मैं देखता हूं, आपका दिया हुआ है एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल टू जेड माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बीटा प्लस गामा। ये क्या है, ये भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। अगर मैं इसको लिखा तो इसको लिख सकता हूं एक्स माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल टू जेड माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बीटा प्लस गामा। अगर मैं इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया, अब देखिए मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वेशन, ठीक, ये दोनों लाइन जो है आपका क्या है, कोप्लेनर है। तो मैंने कोप्लेनर के लिए आपको ज्योमेट्रिकली प्रूफ करके बताया था कि किस तरह से मैं बताऊंगा। तो इसमें मैंने बताया था कि जैसे कि ये मेरा लाइन L1 है, तो जो क्या है X1 Y1 Z1 से पास करता एक ऐसी लाइन के पैरेलल है जिसका डायरेक्शन रेशियो ए वन बी वन सी वन है, जो कि ए वन बी वन सी वन की जगह पर रिस्पेक्टिवली ये टर्म्स है। और उसके बाद एक लाइन L2 है जो कि ये आपका बी माइनस सी बी बी प्लस सी से पास करता है, इसी को मैंने वहां पे बताया था x2 y2 z2 से पास करता है हैविंग डायरेक्शन को रेशियो ऑफ दैट, दैट मींस इट इज पैरेलल टू दैट लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 वेयर a2 विल बी b माइनस गामा b2 विल बी बीटा और c बीटा ये और c2 विल बी बीटा प्लस गामा। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन करने का मतलब एक तो फॉर्मूला टाइप का बताया था, लेकिन दूसरा तरीका यह भी था कि कैसे मैं बताऊंगा कि ये दोनों जो है कोप्लेनर है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि अगर ये दोनों लाइन मान लीजिए किसी प्लेन में है तो ये डेफिनेटली रूप से एल वन जो है किसी ना किसी के पैरेलल होगा, तो मान लीजिए बी वन ये बी टू के पैरेलल है, तो इस दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा जो क्या रिप्रेजेंट करेगी एक परपेंडिकुलर वेक्टर, और वो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो किस पे परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने ये बताया था कि वो उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, अगर मैं इस प्लेन में जिस दो पॉइंट से वो पास करी तो पैरेलल वाली लाइन है, मान लिया एक्स वन और वाई वन से एक्स टू से पास करता दोनों को मिला दिया, तो इस वेक्टर पे वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आएगा। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके दिया था कि इसको अगर मैं मिटा दूं ध्यान से देखेंगे, ओ माय गॉड इसको भी मिटा दिया, वाई माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या था आपका क्वेश्चन में जेड माइनस ए प्लस डी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस डेल्टा, ये मेरा था।
तो मैं ऊपर वाला अगर थोड़ा सा मिटा लूं यहां से देखेंगे तो यहां से क्या बोल सकते हो आप लोग, यहां से बोल सकते हो कि L1 इसको मैं माना, L2 इसको माना, यहां देखेंगे L1 इज कोप्लेन, L1 L2 इज कोप्लेन इफ डिटरमिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, इसके लिए मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहां पे आपका a1 b1 c1 और यहां पे आपका a2 b2 c2, और ये फाइनली कितना है जीरो, तो उस केस में मैं बताऊंगा कि हाँ ये कोप्लेनर है। अब मैं अगर इसको मिटा लूंगा, स्पेस तो कम है, ध्यान से आप लोग रखेंगे कि मेरा पॉइंट क्या क्या है, गलतियां नहीं करेंगे नहीं तो आपका गलत होने का ज्यादा चांस रहेगा। चलिए मैं इसको ज्यादा डायरेक्टली मिटा लेता हूं। अब इस चीज को थोड़ा सा यहां पे डिटरमिनेंट है, अदरवाइज सारा चीज खत्म है। अब यहां पे x2 माइनस x1 है, ये जो आपका x2 माइनस x1 है ये मेरा क्या है, ये वाला पॉइंट है x2 और ऊपर वाला पॉइंट x1 था, मैं यहां से लिखकर देख लो ये माइनस डी, x2 माइनस x1 मेरा क्या बी माइनस सी, और x1 जो मेरा है वो ए माइनस डी है, तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस डी। वाई टू माइनस वाई वन, ये आपका वाई टू कितना है बी, और वाई वन आपका कितना था ए, तो बी माइनस सी हो गया। जेड टू माइनस जेड वन, जेड टू कितना बी प्लस सी, और जेड वन आपका कितना है वो ऊपर में जो था देखा वो था आपका ए प्लस डी, तो यहाँ पे माइनस ए माइनस डी। उसके बाद ए वन बी वन सी वन, ए वन जो था अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा, तो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस डेल्टा ये है। और उसके बाद ये जो था आपका ए टू बी टू, वो बीटा माइनस गामा, और ये आपका बीटा, ये आपका बीटा प्लस गामा। अब इस चीज को मैं निकालता हूं, वो जीरो होना चाहिए, तो अगर मैं इसको सो ये इसके जगह पे आया। अब मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने को चला, एक तो है कि आप बच्चे की तरह क्या करें इसको सॉल्व कर ले, दूसरा तरीका है कि आप प्रॉपर्टी का अप्लाई करें, आप लोग डिटरमिनेंट तो जरूर पढ़ेंगे। अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी को अप्लाई करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखेंगे, ये जो है आपका ये आर थ्री को, मतलब ये आपका कॉलम सी जो है, इस कॉलम में मैं इसको क्या करता हूं ऐड कर देता हूं। अगर मैं उस कॉलम को इस कॉलम में ऐड कर दिया तो यहां पे क्या आएगा, ये इसमें ऐड होगा तो बी बी टू बी और डी, उसके बाद कोई टर्म और भी है ऐड होने वाला, और ए टू बी, तो यहां से रहेगा टू इंटू बी माइनस ए, आराम से कर देंगे और सारा टर्म कैंसिल होगा, और बी माइनस ए सॉरी ये तो बीच वाला उसी तरह से इसको बी माइनस ए लिख दिया, और यहां पर ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा टू अल्फा, और यहां पर ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा टू बीटा, और बीच वाला टर्म्स क्या हो जाएगा उसी तरह से रखा जाएगा अल्फा बीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा। अगर आप लोगों ने यहां तक समझ लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, आप देख लेंगे दोनों क्या है प्रोपोर्शन है, तो आप लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज में अगर दो कॉलम या दो रेशियो इच अदर क्या हो इन प्रोपोर्शन हो तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, इसका वैल्यू क्या है जीरो। तो यही प्रोसीजर है बनाने का। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 भी देख लिया, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 देख लिया तो मैं आप चलता हूं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 30 नंबर देखिएगा, चलिए इसको मैं मिटा लेता हूं। बस देखिए क्वेश्चन देखने में लग रहा था हाथी जैसा और एक लाइन में क्वेश्चन बन गया। अब जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी क्रॉसेस द एक्सवाई प्लेन। तो यहां पे कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए, तो कहता है उसी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए 3 4 1 एंड बी 5 6, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछता है जो पहले नंबर, तो एक लाइन है जो कि दो पॉइंट ए और बी से पास करता है। अब यहां पे बोल रहा है कि वो जो लाइन आपका है, मान लीजिए मेरा ये ए बी लाइन है, अब ये इस प्लेन से पास करेगा तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वो बोल रहा है उसी तरह से बोल रहे हैं ना वो एक्सवाई प्लेन को पास करते हुए क्रॉस कर रही है। अगर वो एक्सवाई प्लेन को क्रॉस करेगी तो डेफिनेटली रूप से पार्टिकुलरली एक्सवाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है जीरो होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैं लिखता हूं, लिखेंगे क्या हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू किससे पास करेगा ए एंड बी विल बी वेक्टर आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस सी, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ क्या क्या था बताया था।
अब अगर मैं वेक्टर ए को लूं तो मेरा कितना है ध्यान से देखेंगे, 3 4 1 दैट मींस इसको लिख सकता हूं 3i+4j क्या प्लस 1k क्या प्लस आपका लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, मैंने से वेक्टर बी मेरा है 5 1 6 और ए जो है 3 4 1, अगर इसमें सबट्रैक्ट करूं तो 5 में से 3 गया तो 2i क्या, 1 में से 4 गया तो -3j क्या, और 6 में से 1 गया तो 5k क्या, ये मुझे निकल गई। अगर मैं इसको अरेंज कर लूं तो यहां से लिख सकता हूं 3+2λi क्या प्लस 4-3λj क्या प्लस 1+5λ क्या। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो वेक्टर है ना वो एक्सवाई प्लेन से पास करती है, तो व्हेन इट पासेस, लिखेंगे व्हेन इट पासेस थ्रू द एक्सवाई प्लेन इन दैट केस जेड कोऑर्डिनेट विल बी 0, सो 5λ+1=0, सो लैम्डा विल बी -1/5। यहां तक में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चलिए अगर आप लोगों ने यहां तक लिख लिया तो यहां पे क्या बोल रहा है कि लैम्डा का वैल्यू अगर -1/5 आया तो यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन। अब यहां पे लैम्डा का वैल्यू कितना हुआ -1/5, अगर इस लैम्डा का वैल्यू -1/5 हुआ तो उस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है जिससे वो पास करता है, तो उस केस में क्या बात है मेरी कि ये डेफिनेटली रूप से जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पूछता है उस पॉइंट का जहां से वो पास करता है। सो इंटरसेक्शन ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ कॉमन पॉइंट एक्स वाई प्लेन एंड लाइन, ये जो लाइन आपका है उस लाइन और इस एक्स वाई प्लेन का जो है उसका कॉमन कोऑर्डिनेट, दैट मीन क्या हुआ 3+2λ, यहां पे अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 4-3λ, और आपका जेड कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, जो 1+5λ में 0 दिखा रही ये आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लैम्डा का वैल्यू इसमें -1/5 पुट कर लेंगे और जो वैल्यू आ जाएगा वही आपका इसके आंसर आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर था, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस बहुत ही अच्छे ढंग से कर लिया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया तो मैं अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर आप लोग के एक्सरसाइज के तरफ, देखिए आप लोग के एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आप लोग के एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है सो दैट द लाइन जॉइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट 2 1 1, तो यहां पे है एक नंबर में क्वेश्चन। सबसे पहला हम लोग मान लेते हैं सो दैट द लाइन जॉइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट, तो मान लिया लेट ऑरिजिन की कोऑर्डिनेट, ऑरिजिन को मान लिया इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है टू द पॉइंट 2 1 1, और उसका एक पॉइंट मैंने मान लिया ए जिसका है आपका 2 1 1, इसके बाद है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइन द पॉइंट 3 5 1, आपका एक पॉइंट है बी जो है 3 5 -1 और एक आपका पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट है 4 3 -1, तो मैं उस पॉइंट को लेता हूं 4 3 -1। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा था सो दैट द जॉइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट 2 1 1, तो मैंने मान लिया कि ओरिजिन को मैंने ओ से डिनोट किया और उसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है और उसका एक पॉइंट जो आपका है उसको मैंने मान लिया 2 1 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया गया कि ओरिजिन को पॉइंट ए से मिलाया गया, तो डेफिनेटली रूप से पोजिशन वैक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, दैट मीन्स वैक्टर ओ ए विल बी क्या हो जाएगा ए के पोजिशन में से बी के पोजिशन को सबट्रैक्ट करेंगे 2 में से 0 गया तो 2i क्या प्लस 1 में से 0 गया तो 1j कैप और 1 में फिर मैंने 0 को सबट्रैक्ट किया तो 1k कैप, ये मेरा आ गया वेक्टर OA। फिर नेक्स्ट में कहता है इट परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइन द पॉइंट 3 5 -1 3 5 -1 4 3 -1, ये कोऑर्डिनेट दो पॉइंट का दिया हुआ है, इसका मतलब मैं आपसे बोल सकता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ BC, मुझे प्रूफ करना है कि OA इज परपेंडिकुलर टू BC। सबसे पहले मैं A का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और C का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू B, दैट मींस BC बराबर मैं क्या बोल सकता हूं 4 में से 3 गया तो आपका 4 में से 3 को सबट्रैक्ट करेंगे 1i क्या, फिर सिमिलरली 3 में से 5 को सबट्रैक्ट करेंगे तो -2j क्या,
और माइनस वन में फिर वन को सब्ट्रैक्टिंग करते जीरो के गैप, ये आप लोगों को मिल गया। और वो यहाँ पे शो कर रहा है कि ये दोनों लाइन जो इच अदर परपेंडिकुलर है, तो हम लोग यहाँ पर दिया हुआ सीन्स वेक्टर OA डॉट, अगर मैं वेक्टर BC निकाला, इफ वेक्टर OA डॉट वेक्टर BC बराबर अगर मेरा जीरो आ गया, देन वेक्टर वेक्टर OA इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर BC। अगर मैं OA और BC का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो 2 - 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। सो वेक्टर OA इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर BC। ये जो मेरा OA था, ये मेरा OA और BC का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का मतलब दोनों के साथ मल्टीप्लाई, दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर सम कर देते। यही प्रोसीजर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने का। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद फिर इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ हम लोग देखते हैं। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्या हुआ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या मैंने दिया, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और बहुत इजी भी था, सिंपल प्रूफ करना था कि ये परपेंडिकुलर है। इधर ये क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। तो मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 को लिखता हूं, लेट ए बी कोई लाइन है मान लीजिए, या मान लीजिए ए बी कोई लाइन है, लेट लाइन ए बी हैविंग डायरेक्शन कोसाइन, लाइन ए बी ऐसे मान लीजिए, सिंपल सी बात है, कोई लाइन एल वन है ठीक, हैविंग ब्रैकेट में आप यहां पर भी लाइन लिख सकते हैं, लाइन एल वन हैविंग डायरेक्शन कोसाइन जो दिया हुआ है L1, M1 और आपका L1 दिया हुआ है, एक लाइन मेरा L2 है ठीक, ये लाइन दूसरी है जो जिसमें क्या कहता है हैविंग डायरेक्शन कोसाइन जो है मेरा वो L2, M2, N2 दिया हुआ है, दो लाइन दिया हुआ है, और यह भी दिया हुआ है कि दोनों लाइन क्या है इधर परपेंडिकुलर है। चलिए कुछ भी दिया हुआ है, इस दो इंफॉर्मेशन से मुझे क्या क्या चीज मिल सकता है उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं नाउ। लेकिन सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सो वी कैन राइट इट L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इज इक्वल टू 0। पहला इंफॉर्मेशन तो मेरा ये निकल जाएगी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसके क्या होता है, सम ऑफ द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन कोसाइंस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव डायरेक्शन कोसाइंस विल बी 0, ये होगी। उसके बाद मेरा जो पहला L1 लाइन है, कैपिटल L1 मैंने लाइन माना है और इसमें L1 M1 N1 है, तो आप लोग यह भी पढ़े होंगे डायरेक्शन कोसाइन में, मैंने प्रूफ करके आप लोगों को सारा डिस्कस किया है, L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर बराबर आपका 1 होता है, एंड फिर आपका दूसरा जो होता है L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 होता है। मैंने आपको अगर मैं इसको इक्वेशन सेकंड मान लूं और इसको मैं थर्ड मान लिया तो कोई यहां तक में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं हम लोग आगे, अब कहता है इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज आर M1 N2 माइनस M2 N1 N1 L2 माइनस N2 L1 L1 M2 माइनस L2 M1। तो कहता है एक ऐसी लाइन को कंसीडर करो जो इस दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो, और उस केस में उसका अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा तो उस केस में उसका डायरेक्शन जो इस दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर होगा वो मेरा होगा M1 N2 माइनस M2 N1। फिर आपका दूसरा दिया हुआ L2 M1 L1 L2 माइनस N2 N1। फिर आपका L1 M2 मतलब MN और NL और फिर उसके बाद LM दिया हुआ। तो यहां से स्टार्ट किया, तो कैसे मैं प्रूफ करूंगा, तो सबसे पहले मैं उस लाइन को कंसिडर करते लेट L3 बी द रिक्वायर्ड लाइन लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस LMN, जिसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है LMN है, और क्या है विच इज परपेंडिकुलर टू द L1 एंड L2, जो कि क्या है कि L1 और L2 दोनों पे परपेंडिकुलर है। अगर ये मेरा L3 लाइन L1 और L2 दोनों पे परपेंडिकुलर होगा तो इस केस में मेरा क्या होगा, यहां से आप लोग बता सकते हो। चलिए अगर ये L1 और L2 दोनों पे परपेंडिकुलर है तो इस केस में क्या होगा कि मैं कह सकता हूं आराम से L इंटू L1, इसको मैं मिटा दूं, ये LMN है सिंपल। तो अगर देखिए, अच्छा देखिए थोड़ा स्पेस में इसी में लिख लेता हूं, जैसा कि इसमें बताया है कि मेरा क्या ये L3 जो है ये L3 L1 पर भी परपेंडिकुलर है, L2 पर भी परपेंडिकुलर है, तो इस केस में क्या होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन कोसाइंस विल बी
जीरो, तो इस केस में मैं बोल सकता हूं इतना कि ये जो मेरा एल एम एन है, ये अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा एल इंटू एल वन प्लस एम, या ऐसे बोलिए एल वन इंटू एल प्लस एम वन इंटू एम प्लस एल वन इंटू एल इज इक्वल टू जीरो, और फिर मैं जो दूसरा लाइन आएगी वो क्या आएगी एल टू इंटू एल प्लस एम टू इंटू एम प्लस एम टू इंटू एल इज इक्वल टू जीरो, ये मेरी जो आएगी क्वेश्चन थर्ड तक हो गया। अगर मैं इसको क्वेश्चन फोर मान लो, क्वेश्चन फाइव मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। चलिए मैंने यहां तक क्या निकाला, आप लोग ये सारे डाटा को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि सारे डाटा को मैं यूज करने वाला हूं नेक्स्ट लाइन में। चलिए अब मैं क्या करता हूं, अब कह रहा है कि इस एल एम एन का जो वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ एम वन एन टू एल टू एम वन और एम एन एन के फॉर्म में निकालना है। सबसे पहले मैंने यहां तक कर ली। अब देखिए अगर मैं इक्वेशन फोर और इक्वेशन फाइव को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ा तो इस दोनों इक्वेशन को लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड फाइव, इक्वेशन फोर और फाइव से मैं क्या बोल सकता हूं एल अपॉन एम वन एन टू, जो आप लोग क्लास टेंथ में पढ़ेंगे क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से, क्रॉस प्रोडक्ट उसको बोलते हैं मतलब क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के हेल्प से जो आप लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करना सीखेंगे उसी का मैं अप्लाई कर रहा हूं एम वन एन टू एम टू एन वन माइनस एम टू एन वन इज इक्वल टू एम, अगर मैं यहां से कॉमन ले लिया तो एम अपॉन यहां से एम अपॉन एल वन एन टू माइनस एल टू एन वन, यहां से बोल सकता हूं एल वन एन टू माइनस एल टू एन वन एल वन एन टू माइनस एल टू एन वन, बस इक्वल रिवर्स होता है ये प्लस होगा ये माइनस होगा, यहां पर ये होगा एल टू वन माइनस एल वन एन टू, ये हो जाएगी एल टू एम वन माइनस एल वन एन टू, इधर हो जाएगी एन अपॉन एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन, एन अपॉन एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन, एन अपॉन एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन, ये मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा आपका इसमें से अगर मैं एलिमेंट का वैल्यू निकाला तो। अब यहां पे बात आती है कि मैं इसका वैल्यू निकालने को चलूं, अगर मैं इसका वैल्यू निकालने के लिए आगे बढ़ा तो देखिए सबसे पहली बात यह है मुझे एलिमेंट का वैल्यू चाहिए और ये इसी फॉर्म में कुछ भी हो रहा है। देखिए आप लोग अगर क्लास टेंथ नाइन्थ में टेंथ नाइन्थ में तो दिया हुआ है प्रॉपर, आप लोग को क्लास सेवन एट में एक रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर दिया हुआ, उतना एनालिसिस नहीं किया हुआ बट फिर भी अगर वहां पर थोड़ा भी आप लोग सीखेंगे तो प्रॉपर्टी में अप्लाई करके लिख रहा हूं यहां से देखेंगे। अगर आपको ए बटे बी यू वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू सी वन अपॉन डी वन इज इक्वल टू यू वन अपॉन एफ वन हो तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या मालूम है आप लोग को ये जो है ना ये जो आपने लिखा है ये जो आप लोगों ने लिखा है ये आपका ये ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे वाले के स्क्वायर के सम के बराबर ही होता है ए वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर प्लस ई वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी वन का स्क्वायर प्लस जी वन का स्क्वायर प्लस एफ वन का स्क्वायर। अगर आप इस प्रॉपर्टी को जानते हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग याद कर ले ये चीज जो होती है ना हमेशा बराबर होती है। अगर और भी टर्म आते हैं तो और भी ऊपर न्यूमरेटर में ऐड हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए एक्स्ट्रा की थ्री है, अगर आपने इसको समझ लिया तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं ये पूरा एक्सप्रेशन जो होगी मेरी किसके बराबर होगी, ये पूरा एक्सप्रेशन होगा एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन एन टू एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन का होल स्क्वायर प्लस एल टू एन वन माइनस एल वन एन टू का होल स्क्वायर प्लस एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन का होल स्क्वायर, ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब देखिए अगर आप लोगों ने यहां तक लिख लिया तो आप जैसा कि ये चीज जो है आपका वन होता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अब मैं डिनोमिनेटर का थोड़ा सा खबर लेता हूं कि डिनोमिनेटर का जो पोर्शन उसकी क्या हाल है। देखिए आपका डिनोमिनेटर वाला पोर्शन को मैं फिर से एक बार रिपीट करके लिख देना पसंद करता हूं एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन का होल स्क्वायर प्लस एल टू एन वन माइनस एल वन एन टू का होल स्क्वायर प्लस एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन का होल स्क्वायर, ये जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ लिख दिया। अगर आप लोगों ने यहां तक समझ लिया तो मैं अब इसमें क्या करता हूं यहां से देखेंगे इसमें, अब देखिए इसके बाद क्या है आप लोगों के साथ मैं फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं इसको मैं मिटा लूं। चलिए अगर हम इसको मिटा लेते हैं तो देखिएगा देखिए अलजेब्रा में एक फॉर्मूला जैसा है उस फॉर्मूला को आप लोग पढ़े भी हो सकता नहीं तो आप लोग देख लेंगे क्या फॉर्मूला था। आप लोग का फॉर्मूला होता है कि अगर आपका यहां ध्यान देखेंगे
ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर इन टू, ये हो गया ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर, या फॉर्मूला डन माइनस, ये इसमें माइनस कर रहे हैं ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू का होल स्क्वायर जो होता है, इसमें से अगर इसका स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगी मालूम है, ए वन बी टू यहां से देखिएगा ध्यान से, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा जहां से भी पसंद करेंगे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का होल स्क्वायर प्लस बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का होल स्क्वायर प्लस सी वन ए टू माइनस ए टू ए वन सी टू का होल स्क्वायर, ये जो होता है आपका फॉर्मूला होता है। और ये जो लाइन मैंने लिखा है इसके मदद से अब हम लोग आगे बढ़े, इस चीज को पहले अपना लिख ले। देखिए कहीं कहीं आपका होता है कि ये अलजेब्रा का कहीं कहीं लंबी लंबी फॉर्मूला का यूज हो जाता है, ऐसे एक और मेथड था लेकिन मैंने इस मेथड को इसलिए अप्लाई किया कि इजीली हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते थे इस मेथड से। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखेंगे, फॉर्मूला जो मैंने लिखा इसकी हेल्प से अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो आप लोग क्या देखोगे, इसको मिटा लेता हूं। देखिए ये मैं इसलिए लिखा क्योंकि इससे मुझे बहुत फायदा होगा, नहीं तो इसको आप ब्रेक करोगे ना तो काफी टाइम लगेगी और ब्रेक करके सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर मैं यहां से ऐसा लिख दूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर इंटू L2 का स्क्वायर, लिखिएगा सिंस L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस L1 N2 प्लस L2 N1 का माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आप लोग वो जो मैंने अभी पीछे फॉर्मूला लिखा था अलजेब्रा का, उस फॉर्मूला के हेल्प से मैं लिख सकता हूँ। इस चीज को अगर आप गौर करते हो तो इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसमें से इसका वैल्यू वन होती है, इसका वैल्यू वन होता है और इसका वैल्यू क्या होता है जीरो। तो फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हैं, वन। सो यहां से आप लिख सकते हो M1 N2 माइनस M2 N1 प्लस L1 N2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, वन आ गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये वन था, ये भी वन आ गया। तो फाइनली इस चीज को ये तो मुझे मिली है वो क्या आ गया, वन अपॉन वन आ गया। ये आपका क्या मिल गया, इस लाइन के बाद ये लिख लेंगे वन अपॉन वन आ गया क्योंकि इसका वैल्यू मैंने क्या निकाला, ये आपका वन आ गया। अगर अब ये वन आ गया, अगर ये आपका वन आ गया तो फिर मैं थोड़ा सा इसको फ्रेश कर लूं, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। चलिए तो अब इसको मैं पूरा मिटा लेता हूं फिर से। अब क्या करता हूं, अगर आपको ये वन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सो L1 M1 माइनस M2 N1 इज इक्वल टू M अपॉन L2 माइनस L1 N2 इज इक्वल टू N1 अपॉन L1 M2 माइनस L2 M1 इज इक्वल टू 1। अगर ये वन के बराबर हो गया तो यहां से सो L बराबर मेरा क्या होगा, M1 N2 माइनस M2 N1, M बराबर मेरा क्या हो गया L2 N1 माइनस L1 N2, फिर N बराबर क्या हो गया L1 M2 माइनस L2 M1। ये जो मेरी हो गई ये पूरा का पूरा रिक्वायर्ड लाइन की जो हो गई, जो कि दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है उसकी डायरेक्शन कोसाइन होगी। तो यही प्रोसीजर है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, देखिए बिना मेहनत किए हुए, नहीं तो अगर आप इसको सॉल्व करते एक और मेथड से तो बहुत मेहनत करना पड़ता। वो क्या था कि आप इसको के मानते और वहां पे जो आप लोग को L2 + M2 + N2 का फॉर्मूला देते उस जगह पे इसको पुट करना पड़ता, तो बहुत लेंथी मेहनत। चलिए अगर आपने ये चीज सीख लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर ये टू था, अगर टू नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ देता हूँ, देखना क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए क्या पूछना है हम लोगों से, वो देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन डिस्टेंस आर एबीसी एंड बी माइनस सी। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा ध्यान से। मान लिया कि कोई लाइन L1 है जिसका L1 लेट ए लाइन L1 हैविंग डायरेक्शन रेशियो एबीसी एंड अनदर लाइन दैट विल बी ए लाइन L1 अनदर लाइन अदर लाइन L2
हैविंग डायरेक्शन रेशियो आपका दिया हुआ बुक में बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ये दिया हुआ है। तो इसमें कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, तो दोनों लाइन के बीच में क्या पूछता है, एंगल पूछ रहा है। तो चलिए नाउ, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, एंगल बिटवीन एल वन एंड एल टू जिसको मैंने डिफाइन किया था, लेट एंगल बिटवीन एल वन एंड एल टू बी थीटा, अगर थीटा हुआ तो आप यहां से बोल सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू इसके प्रोडक्ट होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट लाइन का जो आपका लाइन है उसके मैग्नीट्यूड हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरा लाइन का भी मैग्नीट्यूड जो कि आपका आ गया बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ऊपर वाले पार्ट को आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा बराबर क्या हो गया जीरो, ये ऊपर वाला पार्ट जीरो हो जाएगी, कट जाएगी आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे सबको मल्टीप्लाई कर देखना तो कट जाएगा कॉस थीटा बराबर जीरो, सो थीटा बराबर क्या आ गया पाई अपॉन टू, तो जिसका मतलब ये हुआ कि दोनों का लाइन क्या, दोनों लाइन क्यों हुआ परपेंडिकुलर, सो एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू। तो यही आपका प्रोसीजर है क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व करने का। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व कर लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर फोर कर देता हूँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर इसको मिटा लेता हूं, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, बस थोड़ा सा एक दो स्टेप अच्छे से आप अगर समझ लोगे तो आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर मैं थोड़ा सिस्टम बना लू, ये क्वेश्चन नंबर फोर है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर का जो आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम है, अगर ले लू एक्सिस का सिस्टम, अगर मैंने ले लिया ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, क्वेश्चन में क्या बोल रही है उस पर ध्यान देना, कर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, कोई ऐसी लाइन को कंसीडर करो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, बहुत सारी लाइन होगी, चलो एक मिनट के लिए भी बढ़ जाता हूं, एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब यहां पे बात आती है जो लाइन एक्स एक्सिस से पास करे, ओरिजिन से पास करे और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, पहली तो बात यह है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब हुआ कि उसके, जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर ये जैसे सिंपल सा अगर मैं इस तरह से ले लिया, मान लिया कि 2D में समझता हूं, पहले क्वेश्चन तो 3D का बट मैं 2D के लिए पहले बताता हूं, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस जिसका पैरेलल का मतलब ये हुआ, अब ये बोल रहा है कि ये ओरिजिन से भी पास करता हूं, इसका मतलब ओरिजिन से पास तो करेगा, जिसका मतलब खुद वो एक्स एक्सिस हो जाता, जस्ट लाइक उसी तरह से अगर मैं 3D में भी कंसिडर करूंगा तो यही कहानी यहां पर दिया जाए कि वो लाइन अगर ओरिजिन से पास करेगी साथ ही साथ एक्स एक्सिस के भी पैरेलल होगी तो वो खुद होगी। तो मैं बोल सकता हूं यहां से अगर मैं इस ओरिजिन को ओ मान लिया और इसका सेंटर मेरा ओरिजिन ओ ओ हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं ए लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन, विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो ओरिजिन से पास करे और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो वो डेफिनेटली रूप से क्या होगा, विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस बी इटसेल्फ एक्स एक्सिस, वो क्या होगा, खुद एक्स एक्सिस ही होगा। और उस केस में अगर मान लिया कि ये आपका ओरिजिन से तो पास करता जीरो जीरो हो गया, और मान लिया कि मेरी दूसरी लाइन जो है इसी पे कोई होगी, मान लिया तो वो ए जीरो जीरो होगी, मान लिया तो सो लेट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मैंने मान लिया बी, इसको मान लिया मैं ये ए जिसका कोऑर्डिनेट आपको ए जीरो जीरो दिया हुआ है, सो अगर मैं इसे इक्वेशन ऑफ एओ बताऊंगा तो इक्वेशन ऑफ एओ मेरा क्या हो जाएगा, आप आराम से बता सकते हो, मैंने क्या फॉर्मूला आप लोगों को दिया था कि अगर ये मेरा एक्स वन वाई वन जेड वन है, मेरा एक्स टू वाई टू जेड टू है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन एक्स माइनस, वहां पे क्या मैंने पढ़ाया था इससे पहले जो मैंने इक्वेशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उसमें क्या था मेरा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो मैं एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस जीरो, ये हो जाएगी।
अब यहाँ पे जेड टू माइनस जेड वन ये मेरा होगा, ये याद रखेंगे, ये मेरा एक्स वन वाई वन जेड वन का रोल कर रहा है और ये आपका एक्स टू वाई टू जेड टू का रोल कर रहा है। इस केस में यहाँ से मुझे क्या मिलेगी, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन जीरो इज इक्वल टू जेड अपॉन जीरो, ये आ जाएगी। अगर मैं बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा पूरा क्या होगा, ये कहने का मतलब ए से वन अपॉन ए से डिवाइड कर दे तो ये मेरा वन अपॉन ए से, ये जो ए है सबको मैं मल्टीप्लाई कर दे डिनोमिनेटर में ए से, क्लियरली ये ए वाला ऐसे बोलेंगे कि ए से डिवाइड कर दे इस पूरे में, तो ये मेरा ए कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आपका जीरो का जीरो, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू वाई अपॉन जीरो इज इक्वल टू जेड अपॉन जीरो। कभी कभी बुक में ऐसा लिख देता है तो आप यहाँ पे भी, क्योंकि ए आपके बुक में दिया हुआ नहीं और आपका ये कांस्टेंट के फॉर्मल इक्वेशन का आंसर भी है, और प्लस में बात यह है कि आप ए ले भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि ए जो आपका आर्बिट्री पॉइंट है और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उस फॉर्म में एक्सप्रेस करनी तो है ही नहीं मुझे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फोर समझ लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ जाता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव के, इसको मिटा लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या हम लोग इसे पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में बोल रहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी बी 1 2 3 4 5 7 माइनस 4 3 माइनस 6 एंड 2 9 रिस्पेक्टिवली देयर फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। चलिए तो सबसे पहले ये बात है कि क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग ध्यान से देखेंगे, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी बी, चलिए ए का कोऑर्डिनेट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए, अगर मैं ए का कोऑर्डिनेट दिया तो वो आपको दिया है 1 2 3 तो मैं उसे लिख लेता हूं 1 2 उसके बाद दिया हुआ और बी का कोऑर्डिनेट 4 5 7 दिया, इसको मैं लिख सकता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ बी वो कितना दिया हुआ 4 5 7। चलिए ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ सी भी दिया हुआ है ना, वो दिया है -4 3 -6 ये दिया है, और आपका कोऑर्डिनेट ऑफ डी भी दिया हुआ है उसे भी लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ डी दिया हुआ है 292 ये चीज दिया हुआ है। तो कहता है क्या एंगल बिटवीन द लाइंस ए बी एंड सी डी, तो ए बी और सी डी के बीच का एंगल हमसे पूछा जा रहा था। ये तो सबसे पहले तो मैं लाइन ए बी को देखता हूं, तो अगर मैं लाइन ए बी की बात करूंगा तो फॉर्मेशन बन गया 3i कैप 3j कैप प्लस 4j कैप। अगर मैं बी सी डी की बात करूंगा तो 2 में से -4 जाएगा तो 6i कैप, 9 में से 3 गया तो 6j कैप, और ये उसमें सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या 6 to 8 के क्या ये आ जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि इस दोनों लाइन के बीच एंगल निकालने के लिए, चलिए एंगल तो मैं बाद में निकाल लूंगा जो फॉर्मूले आती है, लेकिन यहाँ पर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगी कि इस दोनों वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी या लाइन ए बी एंड सी डी की बात अगर करते हैं तो दोनों लाइन में कुछ पहले ही पता चल रही है कि इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है। देख सकते हैं 3 upon 6 1 upon 2 3 upon 6 1 upon 2 4 upon 8 that will be 1 upon 2। तो कह सकते हैं सिंस वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों क्या है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक, सो दैट इज वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी इज पैरेलल टू इच अदर विथ सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दोनों क्या है पैरेलल है, और जब कोई लाइन एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उस केस में दोनों के बीच कितना एंगल बनती है 0 डिग्री। सो एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5 का कॉम्प्लिकेशन। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 सीख लिया तो मैं 6 की तरफ चलूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसको मिटा लेता हूं, क्वेश्चन से में ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं थी, बहुत इजी क्वेश्चन हम लोगों के मिल रहा है मिसलेनियस में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 5 के बाद 6 नंबर, अगर मैं 6 की तरफ चलूंगा तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। 6 में कर रहा है इफ द लाइंस एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 3 वाई माइनस 2 अपॉन 2 के जेड माइनस 3 अपॉन 2, तो पहला लाइन अगर मैं एल1 मान लिया कि मेरा ये मेरा एल1 लाइन है, ठीक, वो है x-1 upon 3 is equal to -3 दिया हुआ, सॉरी
और दिया हुआ है y माइनस टू अपॉन टू के, y माइनस टू अपॉन टू के इज इक्वल टू z माइनस थ्री अपॉन टू, z माइनस थ्री अपॉन, ये मेरी लाइन L1 है। अगर आप लोगों ने L1 को देख लिया तो मैं L2 की तरफ चलूंगा। मान लिया मेरी दूसरी लाइन L2 है जो कि आपका x माइनस वन अपॉन थ्री क्या है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस वन अपॉन थ्री के, और जो दूसरी लाइन है y माइनस वन अपॉन वन, y माइनस वन अपॉन वन, और जो तीसरी लाइन है z माइनस सिक्स अपॉन माइनस फाइव, z माइनस सिक्स अपॉन माइनस फाइव। अब इसमें बोला है ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो गिवन दैट L1 is perpendicular to L2, तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इट्स L1 is perpendicular to L2, तो यहां पे उस वैल्यू ऑफ के निकालने, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है जिसके लिए L1 और L2 इच अदर परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग, सिंस L1 is perpendicular to L2, सो क्या ये मेरा L1 है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, L1 passes through 1 2 3 एंड parallel to that line having direction ratio minus 3 2 k 2 and L2 is a line which passes through 1 1 and 6 but parallel to that line having direction ratio 3 k 1 and minus 5। तो उस केस में मैं किस पे ओनली कंसीडर करूंगा, ओनली डायरेक्शन रेशियोज पे कंसीडर करता हूं, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, सो माइनस 3 इंटू 3 के, सो माइनस 3 इंटू 3 के प्लस 2 के इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। दैट इंप्लाई दैट अगर ये जीरो होगा तो मेरा कितना आएगा, माइनस 9 के प्लस 2 के इज इक्वल टू 10, सो माइनस 7 के इज इक्वल टू 10 आ गया, सो के बराबर क्या आ गया, माइनस 10 अपॉन 7 आ गया। तो यही जो आपका आ गया कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आ गया, तो इसका कितना आ गया, के का वैल्यू माइनस 10 अपॉन माइनस 10 अपॉन 7 आ गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लिया तो मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के साथ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन समझना ही आप लोगों के लिए यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए इसको मिटा देते हैं सबसे पहले, तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, कह रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3, प्लेन नहीं होगा लाइन होगा, यहां पे प्लेन लिखा गया भूल से। चलिए पूछ रहा है क्या, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिया हुआ उसके, देखिएगा यहां से। तो सबसे पहले देखिए यहां पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 7 है, ये 7 है। लेट लाइन L1 पासिस थ्रू 1 2 3, पासिस थ्रू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेक्टर r डॉट i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5j कैप प्लस माइनस 5j कैप प्लस माइनस 5j कैप प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मान लिया कि वो मेरा लाइन L1 है जो 1 2 3 से पास करता है और परपेंडिकुलर टू इतना है। चलिए मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूंगा, देखिएगा ये जो मेरी लाइन है इस, ये मेरा प्लेन है कोई, चलिए इस प्लेन का मैं थोड़ा सा इमेजिनेशन करके आप लोग को चर्चा करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगी। मान लिया ये मेरा प्लेन पाई वन है, ये जो प्लेन दिया हुआ है ये प्लेन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये किस फॉर्म का प्लेन है, ये जो प्लेन है वो वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू d का फॉर्म का है, जो किस तरह का इक्वेशन होता है, तो वो मैंने जो आपको बताया था सबसे पहला फॉर्मूला उसमें क्या बताया था, ए प्लेन इज यूनिक्वली डिटरमाइंड इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन बी नोन एंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, या यूनिट नॉर्मल भी बोल सकते हो वो भी आता है, और आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी बोल सकते हो, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन विल बी 1 2 1 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 5 j कैप। जब ये एक नॉर्मल वेक्टर है,
इसका मतलब उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। और उसके बाद ये भी बोल रहा है कि अगर मान लिया कि ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पर मान लिया मेरा ओएन है और ये मेरा लाइन जो है लाइन L1 जो है पासिस थ्रू 1 2 3 इस पर परपेंडिकुलर भी और इससे इससे क्या है ये मेरा इसमें ये पास करता है 1 2 3 से। एक बात यह है कि लाइन L1 पासिस थ्रू 1 2 3 परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है जब इस तरह से परपेंडिकुलर होगा जैसे ना इस तरह से परपेंडिकुलर होगा तो डेफिनेटली रूप से वो मेरा क्या होगा कि वो दूसरा वेक्टर होगा, वो मेरा दूसरा यहाँ पे कोई प्लेन यहाँ पर मान लिया कोई पॉइंट है इस पॉइंट से वो पास कर रहा है और इससे वो क्या है कहने का मतलब वो बोल दिया ना कि वो इस 1 2 3 से पास करता है तो 1 2 3 कहीं होगा इस मान लिया कहीं स्पेस पे होगा 1 2 3 और ये 1 2 3 से पास करता है तो 1 2 3 से पास भी करता है और इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है तो प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मतलब यही ना नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि कुल मिलाकर के यहां से मैं क्या बता सकता हूं कि ये जो है आपका जो कहने का मतलब है फाइनल जो आपका इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि वो जो आपका लाइन होगा वो जो आपका लाइन होगा वो आपका क्या होगा तो यहां से इसलिए मैं क्या कह सकता हूं सो वेक्टर आर बराबर मेरा वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होता है क्योंकि ये जो मेरा ए है ये मेरे बी के डायरेक्शन में है बी के डायरेक्शन में और ये क्या है ए से पास करता हूं ये मेरा अगर वेक्टर बी है तो ये बी का रोल करेगा मेरा वेक्टर नॉर्मल वेक्टर मेरा बी का रोल करेगा क्योंकि उसी के पैरेलल में उसके डायरेक्शन में ले जाना इसलिए मेरे लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी हुआ और वेक्टर आर मेरा क्या हो गया 1i क्या प्लस 2j क्या प्लस 3j क्या प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी मेरा क्या है आई क्या प्लस 2j क्या माइनस तो इस तरह से ये मेरा क्या हो गया तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था बस समझना था इसका इंटीग्रेशन सही से करना था कि वो जो लाइन होगा वो क्या है तो उस पर जो उस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसके पैरेलल में होगा और वो एक पार्टिकुलर पॉइंट 1 2 3 से पास करेगा। चलिए अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से भी इजी है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अगर हम लोग देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है हम लोगों को फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू एबीसी एंड पैरेलल टू द प्लेन इतना अब एक प्लेन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू एबीसी जो एबीसी से पास करता है एंड पैरेलल टू द प्लेन चलिए इस प्लेन के पैरेलल है तो सबसे पहले क्या है आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू एबीसी मान लेंगे लेट ए लाइन L1 पासिस थ्रू एबीसी मान लिया कि वो एबीसी से पास करता है एंड पैरेलल टू द प्लेन एंड पैरेलल टू द प्लेन जिस प्लेन के वो पैरेलल है वो मेरा है वेक्टर आर आई वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 2 इस प्लेन के वो पैरेलल। अब इसका मतलब क्या होता है ध्यान से सुनना अगर मैं कोई पैरेलल इस तरह का मान लिया कोई मेरा प्लेन है ये मेरा प्लेन है और ये इस तरह से प्लेन है जैसे मैं इस तरह से हैंड जैसे रख रहा हूँ इस तरह का प्लेन खड़ा है इस पे चलिए इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर है वो प्लेन इस तरह से जाकर के वो कट रहा है। अब जो है वो जो मेरा एक लाइन है वो एबीसी क्या है एक पॉइंट है तो इस स्पेस में मान लें कहीं पे कोई पॉइंट है एबीसी चलिए और ये लाइन उसके पैरेलल है अगर ये लाइन ध्यान से सुनना अगर ये देखिए वो मेरा जो प्लेन कैसा था इस तरह से था मैं जिस तरह से हैंड बना रहा हूं इस तरह से है ना इस तरह से वो कट करते हुए जा रहा है और मान लिया कि ये मेरा कोई लाइन है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा प्लेन है वो जो मेरा लाइन था वो लाइन इस प्लेन के पैरेलल है इसका मतलब ये हो रही है कि उस प्लेन का जो नॉर्मल होगा डेफिनेटली रूप से इस लाइन पे क्या परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से अगर मैं कहूं कि ये जो मेरा वो जो भी मेरा लाइन होगी ठीक एक मिनट के लिए तो अगर मैं ये मेरा L1 है वो क्या होगा डेफिनेटली नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। तो मैं क्या करता हूं कि जो मेरी लाइन है मान लिया लेट ध्यान से देखना लेट एबीसी से पास करती है वेक्टर आर इज इक्वल टू मेरा जो L1 है वो मेरा वेक्टर L1 इज इक्वल टू मैं मान लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप
प्लस सी के क्या तो यहां पर अपना लैंग्वेज लिखना पसंद करते हो तो लिख सकते हो सिंस एल वन इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू द प्लेन, जो क्या है कि प्लेन के पैरेलल है, सो इट विल बी परपेंडिकुलर टू, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। अगर ये नॉर्मल होगा तो नॉर्मल वाला ये है, सो मैं यहां से बोल सकता हूं मैंने एबीसी माना ना, तो ये मेरा एबीसी आ गया, सो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि इस ये जो मेरा वेक्टर आर है, वेक्टर आर जो है इस आर के जगह पे मैं अगर इसको रख दिया, वो जो मेरा लाइन है वो आर है ना, तो वो मैं इसको इसलिए रख दिया यहां पे क्योंकि ये मेरा वेक्टर आर जो होगा वो प्लेन पर का है, प्लेन मेरा जो प्लेन है उस पर का किसी आर्बिट्री पॉइंट है, तो उस इस आर के जगह पर अगर मैं इसको रख दिया तो यहां से यहां के कुल मिलाकर के मेरा ये ए वेक्टर आर बराबर मेरा जो ए आई क्या प्लस बी जे क्या प्लस सी के क्या आ गया, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, सो वेक्टर आर जो मेरा होगा, सो तो इस केस में मेरा क्या होगा, ये वेक्टर आर जो मेरा होगा, वेक्टर एल जो मेरा होगा वो मेरा क्या होगा, वेक्टर आर प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर एन हो जाएगा। आराम से मैं ये बोल सकता हूं क्योंकि मेरा जो वेक्टर आर है ये मेरा आर जो मेरा आर है और ये मेरा जो आपका वेक्टर एन कैप भी आता है, तो इस केस में अगर मैं वेक्टर आर लिया तो वेक्टर आर जो मेरा एल जो है मेरा वो क्या है, ए आई का प्लस बीजे का प्लस सी से क्या यहां से लिख सकता हूं, और ये मेरा वेक्टर आर प्लस लैम्डा एन जो है वो मेरा क्या वेक्टर आर प्लस लैम्डा एन, वो मेरा आर का आर की जगह पे मैं एक्स आई के प्लस वाई के प्लस जेड के लिख सकता हूँ, एन की जगह पे वो लिखूंगा, तो यहां से मेरा जो आएगा फाइनल एक्सप्रेशन वो मेरा क्या आ जाएगा, सो मैं यहां से लिख सकता हूं ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा ये मैंने क्या लिख दिया, सॉरी कहां से लिखा, पिछले मेरा टॉपिक था, हाँ तो ये मेरा वेक्टर आर डॉट एन का पैकेट, सो मैं यहां से लिख सकता हूं आराम से, वो जो भी लाइन होगी मतलब वो जो भी लाइन होगी अगर उस लाइन से आप अगर बात को समझ रहे, देखिएगा यहां पर मेरा कोई मैंने जो लाइन लिया था और एक लाइन प्लेन मेरा इस तरह से, तो वो लाइन पर जो मेरा एक लाइन था उस लाइन पर एक पॉइंट मेरा एबीसी होगा, उस लाइन पे अगर ये पॉइंट एबीसी होगा तो उस लाइन से अगर मैं कोई प्लेन ड्रॉ करूंगा उस पॉइंट लाइन से कहा था, उस पॉइंट जो मेरा पॉइंट एबीसी है उस पॉइंट से अगर मैं कोई प्लेन ड्रॉ करूंगा तो उस केस में वो क्या होगा कि उस प्लेन के वो ये लाइन जो है इस प्लेन के पैरेलल है और उस लाइन से अगर मैं प्लेन खींचूंगा, इस तरह से कोई प्लेन खींचूंगा कि ये नॉर्मल जो है यही नॉर्मल इस प्लेन पर भी नॉर्मल हो, तो डेफिनेटली उससे मेरा वो जो प्लेन होगा वो मेरा वेक्टर आर, अगर मैं आर वन इसको मान लिया तो वेक्टर आर वन डॉट आई क्या प्लस जे क्या प्लस के क्या बराबर मेरा क्या आ रहा है लैम्डा आ रहा है, मान लिया वो मेरा लैम्डा जो है परपेंडिकुलर मतलब वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन है। अगर आपने यहां तक ये चीज सीखा तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि आर वन की जगह पे ये मैंने यहां तक लिख लिया, तो अगर आर वन का मैं लिखूंगा ये मेरा आर वन का वाला ये करेगा और यहां से क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू मेरा क्या जाएगा लैम्डा आ जाएगी, ये मैंने ऑप्शन किया, अगर मेरा ये लैम्डा आ जाएगा तो मेरा प्लेन क्या होगा, सो वेक्टर आर वन बराबर जो मेरा आएगा डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप जो होगा वो लैम्डा की जगह पर ए प्लस बी प्लस सी चले जाएगी, यानी अगर ये मेरा लैम्डा की जगह पर ए प्लस बी प्लस सी आ गया तो इसका मतलब ये आर वन क्या है आर्बिट्री कोई पॉइंट है, तो अगर मैं एक्स वाई जेड माना तो इसके साथ अगर इसको डॉट करूंगा तो मेरा क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना लेते हैं। चलिए ये हो गया, मैंने उसमें मतलब यहाँ पे जो वेक्टर आर प्लस लैम्डा मैंने मुझे लगा क्या वो उसके कहने का मतलब उस पॉइंट से इससे पिछले वाले क्वेश्चन जो था ना मुझे लगा उसी पॉइंट से पास करता है, उसी के एक पॉइंट पार्टिकुलर स्पेस के पॉइंट से पास करता है और दिए गए लाइन के पैरेलल है इसलिए वो हमसे दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को समझिए, ये जो है ना इमेजिनेशन फिगर को समझिए कि फिगर क्या बोल रहा था और उसके बाद तो क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा क्लियर। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया तो मैं 9 नंबर की तरफ चलो, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है।
चलिए ये आपका अच्छी क्वेश्चन मिला लग करके। चलिए इसके बाद एट के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या बोला आप लोगों के साथ। कहा नाइन नंबर क्वेश्चन में देखिएगा दे रहा है नाइन नंबर में कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस वेक्टर आर बराबर। एक मेरी जो लाइन वन है मेरा वो वेक्टर आर बराबर जो दिया हुआ है सिक्स आई क्या प्लस टू जे क्या प्लस टू के क्या, तो मैं इसको लिख लेता हूं सिक्स आई क्या प्लस टू जे क्या प्लस टू के क्या प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस टू जे क्या प्लस टू के क्या आई कैप माइनस टू जे क्या प्लस टू के क्या। ये मेरा वेक्टर लाइन एल वन हो गया और अगर मैं कोई एल टू लाइन ले लिया तो वो मेरा दिया हुआ है माइनस फोर आई कैप, तो इसको अगर मैं वेक्टर आर टू लिख लिया तो माइनस फोर आई कैप प्लस जीरो वाला नहीं है तो जे वाला नहीं है तो जीरो लिख लीजिए माइनस के कैप प्लस म्यू दिया हुआ तो म्यू टाइम्स थ्री आई कैप थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप। ये मेरा लाइन एल टू हो गया। तो अब इस दोनों के बीच में कहा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो फाइंड करना आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कुछ भी नहीं है। आप इस ऊपर वाले लाइन को मान लेंगे क्या वेक्टर ए वन प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी वन और इसको मान लेंगे वेक्टर ए टू प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर बी टू। यहां से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ए वन बी वन ए टू बी टू मेरा क्या है और उसके बाद क्या करना है। मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एस क्यू लाइन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू डॉट वेक्टर ए टू माइनस ए वन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टू माइनस ए वन वाला जो आपका ऊपर में जो वेक्टर आता था उसका मैग्नीट्यूड उसका वो बी वन प्लस बी टू का जो आपका मैग्नीट्यूड था उसका नीचे में रहता है ए टू माइनस ए वन होगा नीचे में बी टू माइनस बी वन वाला और उसके बाद तो आपका सारा कहानी खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अब नेक्स्ट फॉर्मूला का हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है ये आप लोगों ने यहां से ए वन बी वन सी वन आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। अगर आप लोग ए वन बी वन सी वन आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप लोगों के साथ बचती क्या है कि लेली रूप से सबसे पहले हम लोग को क्या होगा कि ए वन बी वन आइडेंटिफाई करना होगा। अगर हम लोग यहां से ए वन बी वन आइडेंटिफाई कर लिए अगर हम लोग यहां से ए वन बी वन सी वन आइडेंटिफाई कर लिए तो मेरे पास क्या बच जाएगी कंप्लीटली रूप से जो हम लोगों के साथ ए वन बी वन फॉर्मूला के लिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला में जो मेरा थिंग सब वो क्या है वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू को फाइंड करना। अगर हम लोग वेक्टर बी वन क्रॉस बी टू को फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आराम से हम उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे उसके वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू निकालते हैं। तो मेरा सो यहां से क्या निकाल सकते हैं वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू अगर मैं निकाला तो यहां से हो जाएगा आई कैप यहाँ पे जे कैप यहाँ पे के कैप वन माइनस टू टू और ये मेरा बी टू जो होगा वो थ्री माइनस टू माइनस टू। अगर मैं इसका डॉट निकाल दिया तो मेरा आई कैप बाहर आ जाएगी और फिर ये कैंसिल माइनस माइनस प्लस हो जाएगी फोर फिर फोर फिर माइनस जे कैप माइनस टू माइनस सिक्स प्लस के कैप और फिर यहां से माइनस टू प्लस सिक्स यहां तक आ गई। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो एट आई कैप माइनस एट माइनस माइनस प्लस एट जे कैप और प्लस फोर जे कैप ये मेरा आ गया वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकाला तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू बराबर क्या हो जाएगा इसका आपका क्या है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड एट का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर यहां से फोर का स्क्वायर बारह आ जाएगी फोर बच क्या जाएगी दो का स्क्वायर वन का स्क्वायर चार चार आठ एक नौ यहां से तीन आ जाएगी चार तक क्या बारह आ जाएगी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया आप लोगों के साथ बारह आ गई। अब यहां तक अगर आप लोगों ने ये निकाल लिया तो आपका नेक्स्ट जो आपका टर्म्स आता है इसमें क्या है ध्यान से देखेंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर नाइन था ना। तो अगर आप लोगों ने ये चीज निकाल लिया अब नेक्स्ट मैंने क्या है सो अब हम लोग क्या करेंगे वेक्टर ए टू माइनस ए वन निकालेंगे। अगर हम लोग वेक्टर ए टू माइनस ए वन निकालेंगे तो ए टू में सी ए वन को घटाएंगे तो माइनस फोर में से सिक्स जाएगा तो माइनस टेन आई कैप जीरो में से टू गया तो माइनस टू जे कैप और ये माइनस वन में से अगर टू गया तो माइनस थ्री जे कैप ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा यहां से सो वेक्टर बी वन क्रॉस अब यहां से एक टर्म और भी है उसको मैं निकाल लेता हूं फिर इसके बाद आपका फाइनल स्टेप आएगी। अब यहां तक आप लोगों ने कर लिया इसको मैं मिटा लूं चलिए इसको मैं मिटा लेता हूं।
इसके बाद क्या है, सो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही वो दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है। इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2। ये जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, इक्वल टू अगर मैं v1 क्रॉस v2 निकाला तो कितना आ गया, वो आप लोगों ने निकाला था और आपने a2 माइनस a1 भी निकाला था, दोनों का डॉट भी निकाल लेते हैं एक लाइन में, इसको अगर यहां पर लिखूंगा तो सो इसको पहले निकालेंगे, वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अगर मैं कैलकुलेट किया तो 8 में से माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 30, फिर इसको करेंगे तो माइनस 60, फिर इसको करेंगे तो माइनस 12, जो कि मेरा कितना आएगा, नेगेटिव में तो मैं लिख सकता हूं क्या माइनस 108 डिवाइडेड बाई आपका दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 12 आ गया, इसको 12 लिख सकता हूं और फाइनली क्या देंगे 9 आ जाएगी। तो 9 यूनिट जो होगी उस दोनों S2 लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी चाहिए। तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा टेढ़ापंथी नहीं, सिंपल था, प्लेन था क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं इस तरह के क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली तो नहीं, थोड़ा सा घुमा करके, जैसे कि ये सिविल सर्विस में भी बराबर पूछते रहता है, खास करके जिसका ऑप्शनल मैथमेटिक्स रहता है, फाइंड द इसमें पूछता है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन टू S2 लाइंस एंड फाइंड आल्सो वो जो लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उस लाइन का इक्वेशन भी पूछता है। लेकिन आप लोग की क्लास में चीज नहीं दिया होगा क्योंकि आप लोगों के केवल फॉर्मूलों का यूज करके आप लोगों को फाइंड करना, जब आप इसका प्रूफ मैंने पढ़ाया था उस टाइम अगर आप प्रूफ को ध्यान देंगे तो उस केस में बना सकते थे। चलिए अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया 9 नंबर, तो मैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलूं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा हट के बस देखिए 10 नंबर में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइंस थ्रू 516 एंड थ्रू 341। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है लोगों को, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइंस, तो एक लाइन है वो लाइन आप हम लोग लिख लेते हैं ध्यान से देखेंगे, तो कोई लाइन है जो 516 से पास करते हैं 341 से पास करते हैं, इस दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो हम लोग लिख सकते हैं आराम से इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू जो पास करता किससे 516 एंड 341, इस दो पॉइंट से पास करती है, तो डेफिनेटली रूप से वो मेरा वेक्टर जो होगा, मतलब ये दोनों पॉइंट से पास करने वाला वेक्टर आ रहा है क्या, वेक्टर a1, तो अगर मैं a माना उसको तो क्या लिख सकता हूं 5i+1j+6k+λ वेक्टर b माइनस से, इसमें से अगर मैं इसको घटाया तो -2i+3j+5k ये आ जाएगी। अगर मैं इसको अरेंज कर लूंगा तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 5 2λi+1 3λj+6 5λk। अब देखिए ये जो मेरी लाइन है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, ये जो मेरी लाइन है वो बोल रहा है क्रॉसेस द वाइजेड प्लेन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्रॉसेस द वाइजेड प्लेन, तो अगर मैं वाइजेड, जैसे कि मैं ये इस तरह से डायग्राम बनाऊंगा अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो ये मेरा वाइजेड प्लेन है, अब इस वाइजेड प्लेन से वो लाइन पास कर रही है, तो अगर वाइजेड प्लेन से पास कर रही है तो वाइजेड प्लेन में डेफिनेटली रूप से क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया 0 हो गया। सो ये जो मेरा होगा इन वाइजेड प्लेन, लिख सकते हैं इन वाइजेड प्लेन, या इसे लिखेंगे व्हेन इट पासिस थ्रू वाइजेड प्लेन देन 5 2λ विल बी 0, सो लैम्डा बराबर मेरा 5/2 आ जाएगी। इस केस में सो कॉमन पॉइंट ऑफ लाइन एंड वाइजेड प्लेन विल बी, आपका पहला पॉइंट 0 होगा, दूसरा भी इस λ/2 को अगर पुट करेंगे तो 5/2 इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा कितना 5 15/2 1 तो आ जाएगा 17/2, अगर तीसरा में पुट करेंगे तो 25/2 और 12 -13/2, ये जो आएगी मेरी कोऑर्डिनेट हो जाएगी उस वाई प्लेन की। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने इसको भी फाइंड कर दिया। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोग देखते हैं, सेम
पैटर्न का एलिमेंट भी बोला है। कर आप फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासेस थ्रू 5 1 6। केवल क्वेश्चन में बोला है कि ये भी है 5 1 6 से पास करते हो और ये दूसरा पॉइंट 3 4 1 ही है। क्रॉसेस द जेड एक्स प्लेन, अगर यह जेड एक्स प्लेन से क्रॉस करती है तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 था। 11 नंबर भी सेम है, बस क्या है कि मेरी पासेस थ्रू जेड एक्स यहां पर लिखना है। अगर ये जेड एक्स से पास करेगी तो डेफिनेटली रूप से ये आपका यहां पर चलो वाई कोऑर्डिनेट जो है y प्लस 3 लैम्डा बराबर 0 होगी, इस केस में लैम्डा बराबर -1/3 होगी, और इस केस में फिर मेरा कॉमन पॉइंट ऑफ लाइन एंड जेड एक्स प्लेन जो होगी वो मेरा क्या आ जाएगा, वो फाइनली आ जाएगा। इसमें अगर आप -1/3 पुट करेंगे तो -(-+2/3), तो यहां से आ जाएगी 17/3, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर इसमें आप -1/3 पुट करोगे तो 5/3 क्षति 18/5 23 हो गया। कार्य खत्म इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में कुछ फर्क नहीं था, केवल वो प्लेन जिससे पास करता था वो अलग था। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। देखिएगा 12 नंबर में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नहीं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 3 -4 -5 2 -3 1 क्रॉसेस द प्लेन 2x + y + z = 7। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फुल नंबर ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर में कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासेस थ्रू 3 -4 -5 2 -3 1। तो सबसे पहले इसका मैं इक्वेशन निकालता हूं, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 3 -4 -5 3 -4 -5 3 -4 -5 एंड दूसरी जो पॉइंट है वो 2 -3 1 2 -3 1 जो होगी वो क्या होगी x - x1। तो अगर मैं उसको x1 माना तो वो 3 होगी, अपॉन x2 - x1 दैट विल बी -1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 जो क्या देगी 1 इज इक्वल टू z - z1 z + 5 अपॉन z2 - z1 क्या देगी 6। अगर मैं इसको k मान लिया सो यहां से मेरा x वाला क्या आएगा 3 - k, y बराबर क्या आएगा k - 4, z बराबर क्या आएगा 6k + 5। यहां तक में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब कहता है क्रॉसेस द प्लेन 2x + y + z = 7। सिंस दिस पॉइंट xyz जो मेरा पॉइंट है वो क्रॉस करता है क्या, लेकिन सिंस xyz लाइज इन इसमें 2x + y + z = 7 2x + y + z = 7 इस प्लेन में मिलाई करता है। सो एक्स की जगह पर इस तीनों पॉइंट में पुट करना एक्स वाई की जगह पर क्या आएगा 2 times एक्स 3 - k + y की जगह पे k - 4 + z की जगह पे 6k + 5 = 7। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं 2 3 6 -2k + k - 4 + 6k + 5 = 7। इसको अगर मैं कैलकुलेट किया तो 6k + k 7k, मैं 2k किया तो 5k, और ये आपका 6 5 11 में से 4 गया तो क्या हुआ 7 7 उधर चलेगी तो 0। सो के बराबर आपका क्या आ गया 0। एक मिनट, तो इसमें लग रहा था कुछ के का वैल्यू 0, टू इंटू थ्री माइनस के इफ द पॉइंट हुआ, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 12 नंबर, 2 - 3 1 एंड क्रॉसिंग द प्लेन 2x + y + z = 7।
ये आपका आ गया दोनों पॉइंट से पास करोगे तो ठीक है, और इसके बाद क्रॉस द प्लेन टू एक्सप्रेस वाई प्लस जीरो बराबर सी वन है या कोई और डिजिट। एक मिनट में फिर से देख लेता हूँ क्वेश्चन को। टू एक्सप्रेस वाई प्लस जीरो बराबर टू इंटू थ्री माइनस के सिक्स माइनस टू के माइनस फोर माइनस टू के सिक्स प्लस वन से ये देख लेता हूँ छ पांच ग्यारह ग्यारह में से चल गया सात और इक्वल टू आपका सेवन है ये वन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर अच्छा, अब मैं क्वेश्चन नंबर फिर से थोड़ा सा इधर हम लोगों ने देख लिया था, देख लिया फिर से। तो इसमें क्या था कि यहाँ पे हम लोगों ने जो लाया था के इक्वल टू जीरो, यहाँ पे के इक्वल टू जीरो नहीं आती। अच्छा यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था जिसकी वजह से आया था, यहाँ से जरा बराबर क्या होगा सिक्स की माइनस फाइव ना होता, ये फाइव उधर चले जाएगी तो क्या होगा निगेटिव में चले जाएगी, तो डेफिनेटली जो सी वाला जो होगा वो सिक्स के माइनस फाइव होना चाहिए। अगर मैं इसमें आप पुट किया सिक्स के माइनस फाइव तो मुझे के का वैल्यू क्या मिलेगा सिक्स के माइनस फाइव, और फाइनली मुझे मिलेगा यहाँ से के का वैल्यू के सेवन के और फिर टू के दे तो फाइव के सिक्स प्लस वन सेवन के माइनस टू फाइव के, उसके बाद यहाँ पे हो गया पांच चार नौ हो गया निगेटिव में और प्लस सिक्स पॉजिटिव में माइनस थ्री फिर उधर जाएगा तो टेन। सो के बराबर क्या आ जाएगा टेन अपॉन टू इज इक्वल टू टेन इज इक्वल टू टेन अपॉन फाइव इज इक्वल टू टू। फिर से एक बार देख लेते हैं छह एक सात में से दो गया पांच के और छह में से चार गया दो पॉजिटिव पांच निगेटिव माइनस तीन ठीक है। तो के बराबर कितना आ गया टू आ गया। अगर मेरा के का वैल्यू टू आता है तो बुक में आपसे पूछा क्या करा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व। ट्वेल्व में बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पॉइंट नहीं फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू द लाइन इतना इतना क्रॉसेस द प्लेन इतना। तो इस केस में जो मेरा लाइन होगी तो आपने क्या निकाला जो ये आपका एक्स वाई जेड है वो इससे पास कर रहा है इस पॉइंट से भी वो पास कर रहा है। तो यहां पे पूछ रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट सी पॉइंट वेयर द लाइन इतना इतना क्रॉसेस द प्लेन सी। तो आपका एक एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये हो गया और ये तीसरा पॉइंट आपका क्या हो गया कहने का मतलब तीसरा पॉइंट जो होना चाहिए वो एक्स बराबर क्या आ गया थ्री में से टू गया तो वन और वाई बराबर आपका कितना आ गया टू में से फोर गया तो माइनस टू और जेड बराबर क्या गया सेवन। तो आपका वह जो पॉइंट हो गया वन पॉइंट वन माइनस टू और सेवन आ गया। तो ये जो पॉइंट है जिससे वो आपका प्लेन वो लाइन आपका पास करेगा। चलिए अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर थर्टीन में क्या बोल रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्टीन में आप लोगों से कर रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द माइनस वन थ्री टू एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू फाइव। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ देखिए थर्टीन नंबर डेफिनेटली रूप से मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिस थ्रू आपका दिया है माइनस वन थ्री टू, जो माइनस वन थ्री टू से पास करेगा उस प्लेन का इक्वेशन मेरा क्या होगा। डेफिनेटली रूप से मैं बोल सकता हूँ वो प्लेन अगर मैं मान लिया ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन तो प्लस वन आ जाएगी प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन थ्री हो जाएगी प्लस सी इंटू जेड माइनस क्या जाएगी जेड टू इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने नेगेटिव में चले जाएगी। तो इस तरह से मेरा इक्वेशन हुआ। अब ये अगर मैं इसको पाई वन मान लिया, ये जो मेरा पाई वन है वो परपेंडिकुलर टू द बोथ प्लेन है उसमें से एक प्लेन मेरा पाई टू जो कि है एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू फाइव एंड और एक प्लेन मेरा जो पाई थ्री है वो मेरा है थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड बराबर जीरो, थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड बराबर जीरो, ये मेरी पाई थ्री है। अब ये पाई वन सिंस पाई वन इज परपेंडिकुलर टू पाई टू सो मैं यहां से बोल सकता हूँ ए इंटू वन ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो एंड वी ऑल्सो नो दैट पाई वन इज परपेंडिकुलर टू पाई थ्री सो वी कैन ऑल्सो से दैट थ्री पाई थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस केस में इसको अगर मैं सॉल्व किया तो ए अपॉन क्या हो जाएगी यहां से निकलेगी माइनस टू माइनस फोर माइनस नाइन दैट मीन्स माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यहां से क्या आ जाएगा वन माइनस नाइन माइनस एट वन माइनस नाइन माइनस एट इज इक्वल टू सी अपॉन यहां से आ जाएगी थ्री माइनस सिक्स क्या देगी माइनस थ्री। अगर मैं इसको के मान लिया तो यहां से के बराबर माइनस के आ जाएगी सो मुझे मिलेगी
ए बराबर माइनस फाइव के, अगर मैं बी निकाला तो बी बराबर आ जाएगा आपका एट के, अगर मैं सी निकाला तो आपका आ जाएगा माइनस थ्री के। तो ए का माइनस फाइव के, बी का आपका एट के, सी का आपका माइनस थ्री के। यानी अगर एबीसी का मुझे वैल्यू मिल गया तो मैं यहां से आराम से इसमें पुट कर दूंगा। सो आप लोगों का क्या करना है, इसमें ए के जगह पे फाइव के माइनस फाइव के, बी के जगह पे एट के, और सी के जगह पे माइनस थ्री के पुट कर देना। लिख लीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी इन, इसको अगर मैं मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, तो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जो भी आपका फॉर्म आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लिया। तो 12 और 13 भी हो गया, 12 और 13 हो गया। एक बात याद रखना, जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो के को आप दुभूत से डिवाइड कर देना, क्योंकि के से कोई मतलब नहीं रहेगा, समय कॉमन रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप लोगों ने कर लिया तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखना क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है इतना पॉइंट 11P एंड -301 बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन आर डॉट। तो एक प्लेन देखिए दिया हुआ है पाई वन, क्वेश्चन नंबर 14 देखना, एक प्लेन पाई वन है जो है आपका वेक्टर आर डॉट 3i cap + 4j cap - 12k cap + 13 = 0। ये मेरा प्लेन पाई वन है और एक आपका इस प्लेन से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 11p है। तो यहां से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 11p टू पाई वन, इस प्लेन से पाई वन से, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, आराम से मैं बोल सकता हूं। उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर मान लिया इसको परपेंडिकुलर 11π1 को अगर मैंने मान लिया, ये आपका AB मान लिया, तो इस AB का मेरा क्या हो जाएगा, AB बराबर मेरा क्या आ जाएगा, आराम से बता सकते हो क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये जो चीज मैंने लिखा है इसका इस आर की जगह पे ये पोजीशन वेक्टर का वर्क करेगा, तो यहां पे आ जाएगी 1i cap + 1j cap + p j cap dot 3i cap + 4j cap - 12k cap / मैग्नीट्यूड ऑफ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर - 12 का स्क्वायर। ये आप लोगों को मिल जाएगी, लिखा जाता है किसी किसी को -12 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगी। अब इसको मैं कैलकुलेट किया तो ये कितना आएगी, 3 + 4 = 7, तो आराम से मैं 7 कर सकता हूं, और ये आपका -12p - 12p/12। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो यहां पे आप लोगों को क्या देगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144, 25 169 और 169 का स्क्वायर रूट आपका 13 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 11p टू π1। और अगर मैं दूसरा पॉइंट ले लूं, उसमें बोल रहा है कि आपका दूसरा पॉइंट है -301, तो यहां पे बोल सकता हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम -301 - π1 जो मेरी होगी, अगर मैं इसको सीडी मान लिया तो इस सीडी बराबर मेरा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसी फिर मैं इसके जगह पे पुट करूंगा -301 को, तो यहां लिख देता हूं -3i cap + 0j cap + 1j cap dot। इसमें हम लोग इसके जगह पे रखूंगा तो यहां पे आ जाएगा आपका 3i cap + 4j cap - 12k cap। और उसके बाद अच्छा एक चीज और इसमें हम लोगों ने छोड़ दिया लग रहा है, हाँ एक चीज मैंने बोल छोड़ दिया, यहाँ पे +13 भी होगा, +13 तो ये तब तक जाकर के आपका +13 हो जाएगी यहाँ पर। इस बात को याद रखिए, बार बार भूल जाते कभी कभी, 1320 - 12p/13 याद रखिए। अगर इस चीज को आप मिस्टेक कर दोगे तो क्वेश्चन से गलत हो जाएंगे, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अगला आपका आता है दूसरा, इसमें आपका प्लस क्या है 13, ये मैं यहां लिख रहा था तो याद आ गया, डिवाइडेड बाय आपका क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड जो कितना आपका आया था 13 यहां पर भी है, तो इसको भी अगर 13 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये आपका -9, ये आपका 0, और ये आपका क्या आ गया -12, तो -9 और ये -9 और ये आपका कितना -12, कितना हो गया -21, और -21 और ये आपका कितना है 13, तो आपका कितना आ जाएगा 8, और 8/3 ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा आपका 8/13, ये आपका 8/13 आ गया। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, सो
आपका अगर फाइनल हो गए तो ये जो लेंथ है 20 मतलब 20 माइनस 12 टी डिवाइडेड बाय 13 है इज इक्वल टू आ गया 8 अपॉन 13 या 13 13 कैंसिल सो 12 पी इज इक्वल टू आ गया कितना 12 इधर आ जाएगा तो 12 सो पी बराबर क्या आ जाएगा ऊपर तो यहां से आप लोगों ने पी का वैल्यू कितना निकाल लिया ऊपर निकाला जिसमें पूछ के आ रहा था आप लोगों के साथ थोड़ा समय फिर से पढ़ लेता हूं क्वेश्चन मान आपका 40 था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ पी तो आपका पी का वैल्यू क्या आ गया एक 1 आ गया अच्छा मॉड में था ना 20 माइनस 12 पी इज इक्वल टू 13 आता है यह आपका मॉड में था तो यहां से हम लोग कि ये मॉड में था तो ये आपका क्या होगा ये 30 तो कैंसिल होगा बट इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका मॉड रिमूव होगा तो यहां से क्या आएगा 20 माइनस 12 पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 ये आ जाएगी अब इसका फिर मैं उधर किया तो क्या आएगा प्लस माइनस 8 और ये 20 माइनस 12 पी सो अगर मैं पी का वैल्यू निकालूंगा तो एक आपका 20 में से आटेगा तो 12 भी आ जाएगा एक 28 आ जाएगा तो पी बराबर यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती है एक आ जाएगा 12 बटे 12 दैट मीन्स 1 आ रही है और दूसरी पॉसिबिलिटी 28 अपॉन 12 जो कि 28 अपॉन 12 कितना आएगा 4 से 7 बार में 4 से 3 बार में या तो 1 आएगी या 7 अपॉन 3 आएगी तो ये दोनों आपका पी का वैल्यू होगा यहाँ पे मैंने मॉड नहीं देखा था ये आपको मॉड के अंदर है तो मॉड को रिमूव करने के लिए बहुत सारे स्क्वायर करना पड़ेगा था चलिए अगर हम लोगों ने ये चीज निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 40 का तो हम लोग चलते 15 के तरफ क्वेश्चन नंबर 15 में देखना क्या है अगर आप वहां पे डायरेक्ट फाइंड कर देते तो आप उस केस में केवल पी का एक ही वैल्यू मिलता 1 जो कि आपको गलत रिजल्ट दे रहा था इसलिए मॉड को डायरेक्ट इक्वल इक्वल नहीं करना चाहिए 15 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 आता है देखिएगा इफ ओ बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी 1 2 -3 यहां से देखना क्वेश्चन नंबर 15 तो अलग है मैंने 14 पढ़कर 15 मुझे पढ़ना ना 15 देखना 15 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन इतना एंड इतना तो एक आपको एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो सबसे पहली बात है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन तो आपका दो प्लेन दिया हुआ है एक आपका अगर मैं पाई वन मान लिया तो वो आपका होगा वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा जो वेक्टर है वो आपका दिया हुआ है वेक्टर आर वो आपका पाई टू है वो होगा वेक्टर आर डॉट टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलिए तो वो पैरेलल है वो तो मैं बाद में करूंगा सबसे पहले वो प्लेन वो लाइन जो है इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा डेफिनेटली रूप से जो मेरा वो लाइन आएगी ध्यान से देखना आप लोग वो जो मेरी लाइन आएगी ध्यान से देखिए वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के बराबर 1 एंड वेक्टर आर डॉट इतना तो यहां से कहेंगे इंटरसेक्शन ध्यान से देखना लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन जो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो कैसा हो जाएगा वो जस्ट लाइक क्या होगा कि वेक्टर आर प्लस ये जो आपका है यहां से ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो मैंने तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है अगर मैं 1 को इधर कर लिया तो यहां से बोल सकता हूं वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप -1 ये आपका पहला पार्ट हो गया डॉट ये आपका ये पहला पार्ट आ गया और उसके बाद क्या होगा ये जो है ये आपका पहला पार्ट हो गया इसके बाद प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर आर डॉट ये वाला पार्ट हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस 4 = 0 ये मेरा आ जाएगा अगर मैं इस दोनों इक्वेशन से बात करूं तो वेक्टर आर डॉट कॉमन आ सकती है उस केस में मेरा ये जो पार्ट बचेगा वो बचेगा 1 + 2λ i कैप + 1 + 3λ j कैप + 1 - λ k कैप ये आ जाएगी और फिर आपका ये आपका क्या होगा कि ये -1 जो है -1 + 4λ
यहां तक में ये होगी प्लस माइनस वन प्लस फोर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी। अब ये बोल रहा है ये जो है आपका वेक्टर आर, अब यहां पर बोल रहा है क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 15 इसमें बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन इतना इतना एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये जो है आपका एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डेफिनेटली रूप से मेरा ये एक्स वाला पार्ट जो है जिसको अगर मैं यहां से इसको आर के जगह पर एक्स रखूंगा तो ये जो मेरा है यहां पे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के जब पैरेलल है ध्यान से देखेंगे एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल है तो एक्स एक्सिस लिखेंगे सिंस ये मेरा प्लेन है इसको अगर मैं पाई थ्री मान लिया पाई थ्री इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कौन होगा वन प्लस टू लैम्डा है क्या वन प्लस थ्री लैम्डा है क्या प्लस फोर माइनस लैम्डा है क्या, वो क्या होगा कि इसके इस पैरेलल जो यहाँ पे एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस की क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा, अगर वो एक्स एक्सिस के नॉर्मल होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूँ इसका एक्स एक्सिस का जो अगर आपका मैं डायरेक्शन क्वेश्चन की बात करूंगा तो 100 आता है और इसमें अगर मैं करूंगा तो यहां से कह सकता हूं 1 + 2 लैम्डा जीरो को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 + 0 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0 = 0 सिंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस सो ये बराबर 0 होगा। सो यहां से लैम्डा बराबर कितना है -1/2 आ गया। अगर हम लोगों ने लैम्डा का वैल्यू -1/2 निकाल लिया तो मुझे क्या फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन यही मेरा है इसमें हम लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे अगर मैं लैम्डा और आर का वैल्यू भी एक्स आई कैप वाई कैप प्लस जेड कैप पुट कर लूंगा। अब यहां से क्या अगर आप एक्स वाई जेड के फॉर्म लिखते हो तो यहां से एक्स से मल्टीप्लाई होगा इसमें तो 1 + 2 लैम्डा यहां पर जीरो इकोनॉमी खत्म होगा -1/2 अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा -3/2 -1/2 हो जाएगी तो यहां से आ जाएगी -y/2 प्लस अगर मैं इसमें पुट किया तो --+1/2 3/2 हो जाएगा 3/2 हो जाएगी और इसमें अगर मैं पुट करूंगा तो -1 + 4 लैम्डा और 4 लैम्डा में इसको मैं पुट किया तो क्या होगा -4/2 दैट इज -2 और -2 वहां पे होगी और माइनस में प्लस है तो -3 = 0 इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कंप्लीटली इसमें क्या आ जाएगा y - 3z + 6 बराबर क्या आ जाएगी 0। तो यही मेरे जो हुआ वो फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लिया जो कि इस दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से इस दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन होती है मतलब इंटरसेक्शन कहां पे एक लाइन पे होती है उस लाइन से पास करती है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया इसका इक्वेशन फाइंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हो गया। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है में कहता है इफ ओ बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी 1 - 3 ध्यान से देखना तो यहां पे बोल दिया कि ओ आपका ओरिजिन है तो मैं ओ का कोऑर्डिनेट आराम से बोल सकता हूं 0 0 0 और पी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको बता रहा है 1 - 3 1 - 3 ठीक। उसके बाद बता रहा है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ओ बी। तो अगर मैं यहाँ पे ओ लिया और यहाँ पे अगर आपका पी है तो ये ओपी हो गया। इस ओपी के परपेंडिकुलर कोई प्लेन मुझे फाइंड करना है जो इस ओपी के परपेंडिकुलर होगा और ये पी से पास भी करेगा। ये पी जो है इस प्लेन में लाए करके इस पी से पास करते हुए पहुंचा रहे तो मैं कैसे फाइंड करूंगा वो दीजिए देखा जाए सब लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे बोल दिया है कि परपेंडिकुलर टू ओपी इस ओपी के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो मैं अगर ओपी निकालना है यहां से तो वेक्टर ओपी मेरा क्या होगा वो तो आप आराम से पूछ सकते हो 1i+2j-3j। ये ओपी किसका रोल करेगा बता सकते हो ये ओपी यूनिट नॉर्मल वेक्टर का रोल करेगा। सो मेरा वेक्टर r डॉट n कैप n के मेरा क्या है 1i+2j-3j यही तो मेरा रोल करेगा इसका और बराबर क्या होगा ये मेरा नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब बात आती है कि ये मेरा ओपी अगर हो गया तो इस ओपी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन इस प्लेन से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये बात हम लोगों के बात आती है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है यहां पर यहां से हम लोगों को क्या करना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करना है क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आप लोगों से पूछ रहा है। तो यहां से ओपी का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो आपका क्या रहेगा एंड ओपी इज इक्वल टू अच्छा ओपी का अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे सो ओपी बराबर मैंने क्या आएगा या वेक्टर ओपी का मैं निकालेंगे क्या आएगा 1 + 4 + 9 क्या अंडर रूट 40 ये मेरा क्या हो गया
अंडर रूट 40, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानूंगा, यहाँ पर इसको भी तो मानना पड़ेगा हम लोग को, कहने का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं इसको मानूंगा तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन हो गया। और आपका इसमें आपका ऐसा कि क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड ओ लेट ओ बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी इतना, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ओपी, ओपी के परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये पी से पास करनी चाहिए। तो इस तरह से मेरा प्लेन वेक्टर आर डॉट वन आई क्या प्लस टू जे क्या माइनस थ्री के क्या, और ये दोनों का जो डॉट है, ये दोनों का जो डॉट है वो मेरा किसके बराबर होता है, डी के बराबर, जो मैं क्या रूट अंडर 14 के बराबर है मेरा, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर मैं इसको सॉल्व किया तो ये आपका रूट अंडर 14 जो हम लोगों ने निकाला है इधर आ जाएगी, तो यहां पर एक्स प्लस टू आई माइनस थ्री जाके यहां पर अगर रखेंगे इधर आपका माइनस रूट अंडर 14 आ जाएगी बराबर जीरो। ये मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बताएगा। इस तरह से हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। चलिए ये अगर आप लोगों ने कर लिया तो नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा क्या है आप लोगों का, 17 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स इतना इतना एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इतना। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 में फिर से एक बार हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। चलिए हो गया, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिए तो अब मैं 17 नंबर की तरफ चलू। नंबर में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। तो अगर मैं ये 17 नंबर का पाइवट एक प्लेन है, पहला प्लेन जिसका आपका दिया हो वेक्टर आर डॉट आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के क्या, आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के क्या, और ये आपका माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये मेरा पाई वन है। एक मेरा दूसरा प्लेन पाई टू है जो कि है वेक्टर आर डॉट टू आई के प्लस जे क्या पर, टू आई के प्लस जे क्या पर माइनस फोर के क्या पर प्लस फाइव बराबर, सॉरी माइनस फोर की अपनी सिंपल माइनस थ्री क्या पर प्लस फाइव बराबर जीरो, ये मेरा पाई टू है। Which contains the line of intersection? दोनों का लाइन, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहा है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ना इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पाई वन एंड पाई टू, वो मेरा क्या हो जाएगा आराम से आप बोल सकते हो वेक्टर आर वन डॉट आई क्या प्लस टू जे क्या प्लस थ्री के क्या पर माइनस फोर प्लस लैम्डा टाइम्स, ये वाला पार्ट आ जाएगा फिर इसमें टू आई क्या प्लस सॉरी लैम्डा टाइम्स वेक्टर आर डॉट टू आई क्या प्लस जे क्या माइनस के क्या प्लस फाइव बराबर जीरो। याद रखिए इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो वेक्टर आर डॉट और ये आपका जो लाइन आएगी वो क्या आएगी यहां से वन प्लस टू लैम्डा आई क्या प्लस टू प्लस लैम्डा जे क्या प्लस थ्री माइनस लैम्डा के क्या और आपका यहां से आता प्लस माइनस फोर प्लस फाइव लैम्डा बराबर जीरो, ये चीज याद रखिए। अब जो है ये जो आपका ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो मुझे मिली है बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच डू कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स इतना, तो दोनों का इंटरसेक्शन मेरा ये हो गया। अब बोल रहा है कि इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेक्टर आर डॉट एंड, ये मेरा पाई थ्री अगर हो गया तो आपके बुक में बोल रहा है कि एक और प्लेन है जो पाई फोर है वो आपका दिया हुआ वेक्टर आर डॉट फाइव आई क्या प्लस थ्री जे क्या फाइव ए क्या प्लस थ्री जे क्या माइनस सिक्स के क्या प्लस एट बराबर जीरो, ये एक प्लेन दिया हुआ है। अब जो है ये पाई थ्री पाई फोर मैंने ले लिया, ये पाई थ्री पाई फोर परपेंडिकुलर है तो यहां पर बोल रहा है सिंस पाई थ्री इज परपेंडिकुलर टू पाई फोर, अब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली रूप से ये दोनों क्या होगा, ये दोनों जो मेरा होगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों परपेंडिकुलर है इसका मतलब दोनों का दोनों प्लेन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो यहां से बोल सकते हैं फाइव इंटू प्लस टू वन प्लस टू लैम्डा प्लस थ्री इंटू टू प्लस लैम्डा माइनस सिक्स इंटू थ्री माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो,
पढ़ा देती हूँ इसको मैं क्या, तो 5 + 10 λ प्लस 6 + 3 λ माइनस 18 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 λ 6 λ इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा, 10 × 3 = 13 और 13 × 6 = 19 λ। तो यहां से क्या होगा, 19 λ बराबर ये आपका आएगा 6 × 5 = 11 और 18 में से 18 का तो 9 हो जाएगा, उधर से रहेगा तो 9, उससे लेमडा बटे क्या देगा 9/19। ये आपका लेमडा के वैल्यू के क्वेश्चन नंबर, ये हो गया लेमडा का वैल्यू। अगर हम लोगों ने यहां से लेमडा का वैल्यू निकाल लिया तो अब बुक में बोला है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज कंटेन्स। अच्छा तो अब मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, तो अब क्या करेंगे, वो जो मेरा प्लेन होगा उसका इक्वेशन मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से क्या करते हैं कि इसमें लैम्डा का वैल्यू, जो आपका लैम्डा का फिर से वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, 6 × 3 = 9 और 10 × 9 = 19 ये ठीक है, और 6 × 5 = 11 और 11 में से 18 7 आ जाएगा ना, सॉरी 7 आ जाएगी, 11 18 7। हाँ फिर से एक बार देख लेंगे, तो 10 × 3 = 6 = 19 λ और ये आपका 6 × 5 = 11 में से 18 तो -7 तो फिर उधर जाएगा तो पॉजिटिव 7 आ जाएगा और लैम्डा का वैल्यू 7/19 आ जाएगा। अगर आप लोगों ने यहां तक कर लिया, अब क्या करना है, ये जो लैम्डा का वैल्यू आया है तो इस π3 वाले इक्वेशन में पुट कर देना है और वेक्टर r की जगह पे xi cap yj cap zk cap और इसके साथ ये कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहां पर आप सॉल्व कर लेता हूं, आप लोग कर लेना एक बार, मैं पहले इसको मिटा करके तब फिर करता हूं। लिख लेंगे हम लोग इन पाई थ्री, यहां से लिखेंगे फिर से इन पाई थ्री पुट वेक्टर r इज इक्वल टू xi cap + yj cap + zk cap एंड लैम्डा इज इक्वल टू 7/19। लैम्डा इज इक्वल टू 7/19 पुट कर देंगे। इसको पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑब्टेन करेंगे, मिल जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 17 को भी कंप्लीट कर लिया। 17 को अगर कंप्लीट कर लिया तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखना क्वेश्चन नंबर 19 क्या, सॉरी 17 के बाद 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -0 फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -0 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। अच्छा तो क्वेश्चन में क्या, ध्यान से देखें, एक आपका 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, आपका एक लाइन है जो दिया हुआ है, इसको मैं अगर L1 मान लिया, ये लाइन R1 जो है वो 2i cap - 2i cap - j cap + 5k cap + λ times 3 = 4 2 दैट मींस 3i cap + 4j cap + 2k cap इसके पैरेलल है, ये मेरा कोई लाइन है। इसके बाद बोला एंड द प्लेन, एक प्लेन है, अगर मैं उस प्लेन को π1 दिया तो ये जो प्लेन है वो आपका वेक्टर r डॉट i cap - j cap + k cap इज इक्वल टू π5। ये मेरा लाइन L1 है और ये मेरा प्लेन π1 है। ये मेरा लाइन जो है, बुक में बता दिया है, ये लाइन और उस प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगी, उस पॉइंट से और एक और भी पॉइंट दिया हुआ -1 -5 -10 के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरा R1 की जगह पर अगर मैं इसको रख लू तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो वेक्टर R की जगह पर अगर मैं इसे रख दिया तो क्या होगा, 2i cap - j cap + 2k cap। अगर मैं इसको एक साथ अरेंज कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों के साथ। इसके जगह पर मैं पुट कर रहा हूं, ध्यान से इसको मैं एक साथ लिख लेता हूं, 2 + 3λ i cap + -1 + 4λ j cap + 2 + 2λ k cap। और अगर मैं इसका डॉट निकाल दिया, i cap - j cap + k cap = 5, तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो आप लोग के लिए हो जाएगा, इसको मैं करूंगा तो 2 + 3λ और उसके बाद +1 - 4λ + 2 + 2λ = 5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 3 2 5 में से 4 के तो λ
दो तारीख पांच, तो फाइव प्लस लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव। सॉरी फिर से कहीं गलती हो गई क्या, यहां से मैंने लेमडा का वैल्यू जो निकाला है मुझे क्या निकली है, दो थ्री लेमडा माइनस तीन दो पांच में से आ गया लेमडा, ये सही है, माइनस वन प्लस फोर लेमडा, टू प्लस टू लेमडा, टू प्लस थ्री लेमडा, ठीक है। आई टे माइनस जे के प्लस फाइव, यहां पे बोल रहा था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन इतना, सो लैम्डा बराबर आपका जीरो आ गया है, दो तीन पांच में से चार गया वन लैम्डा, और फिर आपका दो एक तीन दो पांच, पांच में से पांच गया जीरो। चलिए तो लैम्डा का वैल्यू आप लोग याद करने के लिए जीरो, अगर लैम्डा का वैल्यू हम लोग जीरो लेते हैं तो आपका डिस्टेंस जो दिया हुआ है किसके भी साइन करना, लैम्डा का वैल्यू जीरो आ गया तो ये तो आपका टू माइनस वन और टू आ जाएगा, तो उस केस में चलिए जो भी लाइन होगी पॉइंट जो भी मुझे मिलेंगे, सो पॉइंट मेरा यहां पे क्या आ जाएगा, ये मेरा पॉइंट को डिटरमाइन करेगा, तो ये मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा, आराम से मैं इसको बोल सकता हूं टू प्लस थ्री लेमडा टू माइनस वन माइनस वन प्लस फोर लेमडा, सो यहां पर लिख देते, सो पॉइंट भी क्या आ जाएगा टू, और अगर मैं यहां पर लेमडा किया तो माइनस वन, यहां पर अगर लेमडा किया तो यहां पर क्या आ जाएगा टू, अगर मेरा ये आ गया अब इसके बीच में और पॉइंट भी इतना आ जाएगा, अब क्या करना है एंड अनदर पॉइंट जो एक दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है माइनस वन माइनस माइनस वन माइनस फाइव माइनस ये दिया हुआ है, अब कहता है दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, तो मैं क्या करूंगा यहां से दोनों के बीच डिस्टेंस निकालूंगा, सो अगर मैं इसको मान लिया पी, इसको मान लिया क्यू, तो पी क्यू बराबर मेरा क्या आ जाएगा अंडर रूट टू में से बन गया टू में से टू प्लस वन थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वन प्लस फोर सिक्सटीन और प्लस वन फोर्टी फोर बराबर कितना आ जाएगा थर्टीन मिनट। मैं देख रहा था कि लैम्डा का जीरो अगर निकाला तो कहीं कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़े, लेकिन ये निकल गया, कभी कभी होता है कि बहुत चुप से निकल जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग लैम्डा का वैल्यू कितना निकाल देते। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चला तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है आप लोगों के साथ, नाइनटीन में कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू वन टू थ्री एंड पैरेलल टू द प्लेस इतना। तो सबसे पहले कह रहा है कि क्वेश्चन में 19 के ऊपर मैं पढ़ लू ध्यान से कि लेट ये कह रहा है वन टू थ्री से पास करता है, तो जब एक लाइन है और वन टू थ्री से पास करता है तो किसी के पैरेलल भी होगा, तो जिस लाइन के पैरेलल है उसको मैंने मान लिया, कोई चीज मान लेता हूं, लेट वेक्टर आर इज द रिक्वायर्ड लाइन which passes through वन टू थ्री, जो कि वन टू थ्री से क्या करता है पास करता है एंड पैरेलल टू वेक्टर एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, जो कि मेरा बी वन आए क्या पर प्लस बी टू जे क्या प्लस बी थ्री जे क्या, इसके बारे में ना, सो यहां से मैं बोल सकता हूं वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए, ये मेरा वेक्टर ए का बात करेगी, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी ये आ जाएगी, तो यहां से मेरा यह जो भी आएगी वो मेरा क्या आएगा वन प्लस टू वन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, कहने का मतलब बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री जे कैप, ये आ जाएगी ना, ये मेरा एल वन का इक्वेशन हो गया, याद रखना ना, एक प्लेन दिया हुआ है इसमें वेक्टर आर डॉट वेक्टर आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप, तो यहां कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इट एंड पैरेलल टू द, तो एक जो मेरा प्लेन है वेक्टर आर डॉट
आई क्या माइनस टू जे क्या प्लस टू के क्या इज इक्वल टू फाइव। अगर मैं इसको प्लेन मान लिया, मेरा ये पाइवन प्लेन है, इस पाइवन ये है और ये मेरा लाइन है, इसके अगर पैरेलल है हुआ तो डेफिनेटली रूप से इसका जो नॉर्मल होगा इस लाइन के क्या होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका जो नॉर्मल है इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये जो है आपका पैरेलल वाली लाइन को, तो यहां से बोल सकता हूं कि बी वन माइनस टू बी टू प्लस टू बी थ्री बराबर क्या होगा जीरो। एक तो यहां से मिल गया कहानी, और दूसरा जो बात है एक और इधर एक और लाइन के परपेंडिकुलर है, इसको अगर मैं मान लिया पाई वन, एक आपका पाई टू भी है जो कि आपका दे रहा है वेक्टर आर टू डॉट थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू सिक्स। तो इस केस में यहाँ पे जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर भी है, तो इसलिए मैं यहां से बोल सकता हूं कि बी वन दैट मीन्स थ्री बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये भी आएगी। अब मैं दोनों को अगर सॉल्व करने को चला तो यहां से मुझे क्या मिलेगी, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट माना इसको सेकंड माना, तो B1 अपॉन इस दोनों को सॉल्व करता हूं, बी वन अपॉन ये इसके साथ हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस टू और ये फिर आपका माइनस टू तो आ जाएगा माइनस फोर इज इक्वल टू बी टू अपॉन बी टू यहां से लिए इस तरह से जाइए सिक्स माइनस वन फाइव इज इक्वल टू बी थ्री अपॉन बी थ्री ये मेरा हो गया तो बी थ्री वन प्लस सिक्स सेवन इज इक्वल टू के मान लिया। सो अगर बी वन की बात करूंगा तो मेरा माइनस फोर के, बी टू का बात करूंगा तो फाइव के, बी थ्री का बात करूंगा तो सेवन के। इस बी वन बी टू बी थ्री जो मुझे निकला है, अब ये बोल रहा है क्या क्वेश्चन में पूछ रहा था, हम लोग फाइंड द वेक्टर क्वेश्चन कर रहा है तो लाइन का क्वेश्चन पूछ रहा था, तो बी वन बी टू बी थ्री ये मुझे निकला। अब क्या करना है, इस बी वन बी टू बी थ्री जो मुझे निकला है, इस बी वन बी टू बी थ्री को मुझे क्या करना है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक मिनट और फिर से, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू वन टू पैरेलल टू द प्लेन इतना एन इतना। अच्छा तो अब क्या करना है, इस बी वन बी टू बी थ्री का तो मेरा वैल्यू निकला, कितना निकला माइनस फोर के फाइव के सेवन के। अब ये माइनस फोर के फाइव के सेवन के को क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो इसमें ये तो अगर आप पुट करोगे तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा कि आप लोगों को गलत ढंग से वैल्यू निकलेगा। आराम से क्या करना है कि इस बी वन बी टू बी थ्री को इसके जगह पे पुट कर देना, इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो के बाहर आ जाएगी और के प्लस लैम्डा को कोई दूसरा एक कॉन्स्टेंट मान लेंगे, मान लेंगे म्यू, तो इस तरह से मेरा ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। सो वेक्टर आर बराबर मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा वेक्टर ए वन यही लिख जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री, ए वन आई क्या प्लस टू जे क्या प्लस थ्री जे क्या प्लस लैम्डा और ये क्या कॉमन, यहाँ पे सबको वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सब में क्या तो क्या बाहर आएगा, तो लैम्डा इनटू क्या मान लिया मैंने म्यू, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा माइनस फोर आई क्या प्लस फाइव जे क्या माइनस सेवन जे क्या, इस तरह से मेरा ये आ गया। चलिए अगर आपका ये आ गया, एक मिनट फिर से मैं देख लेता हूँ, ये आपका एबीसी का जो वैल्यू है वो मैंने सही तो निकाला, माइनस अगर मैं बी वन लिया इस तरह से तो ये आ जाएगा माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, ये तो ठीक आ रहा था वन माइनस टू टू, एक मिनट फिर से मैं देखूंगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका वन माइनस टू प्लस टू थ्री वन टू थ्री वन वन थ्री वन वन थ्री बी वन बी टू बी थ्री, ये ठीक था, और तो इसमें जो था आप लोगों के साथ, हाँ तो इसमें आपका जो ये आंसर जो आ गया, इसमें आपका थोड़ा सा लैम्डा फाइव, एक मिनट में फिर से देख लेता हूँ, थोड़ा सा एक मिनट के लिए देखिए आप लोग। तो मेरा जो हुआ ये हम लोगों ने जो निकाला है ये आपका सही आंसर है, हो सकता है कि इसमें कहीं मतलब क्वेश्चंस में कहीं इधर वगैरह हो तो अपना सही कर लेंगे, या हो सकता है पॉइंट कहीं कुछ और लिखा गया होगा कि बुक में जिस तरह से लिखा हुआ उस तरह से हम लोगों ने लिखा है, हो सकता है कि आप लोगों को कहीं इधर, बट यही प्रोसेस है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अपना सीख लेंगे। चलिए हो सकता है कहीं कि कनेक्ट हम लोग क्वेश्चंस में कहीं गलतियां हो।
अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, देखिए क्वेश्चन में एक जगह मैं गलती कर दिया, ये जो आपका पॉइंट दिया हुआ है ना, ये 1-1 2 यहाँ पे दिया, 1-1 है यहाँ पे, माइनस वन है, तो आप लोग सही कर लेंगे, सब तो इतना छोटी छोटी बात है, यहाँ पे माइनस वन है, मैंने -2 लिख दिया, अभी मुझे नजर आया, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लेंगे, क्वेश्चन किस तरह से बना देता मैंने बता दिया। अब देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों ने सीख लिया तो मैं 20 की तरफ देख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1-4, 1-4 से पास करता है परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, दो लाइन है वो दोनों के पैरेलल परपेंडिकुलर है, तो मैं सबसे पहले जो 1-4 से पास करता तो मैं मान लूंगा 29 में लेट L1 व्हिच पाथ, L1 इज दैट लाइन, या L1 इज रिक्वायर्ड लाइन, L1 इज दैट लाइन व्हिच पासेस थ्रू वन टू माइनस फोर। देखिए डाटा पे आप लोग थोड़ा बहुत अगर गलती हो तो, एंड परपेंडिकुलर टू जो है वो आपका L2 एक लाइन है वो आपका दिया हुआ है x-8/3 इज इक्वल टू y-19/-3-6, मैं डायरेक्ट लिख रहता हूँ, इज इक्वल टू z-10/7 एंड एक आपका लाइन L2 है जो कि आपका x-15/3 इज इक्वल टू y-29/8 इज इक्वल टू z-5/-5। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि लेट L1 इज दैट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द इतना एंड परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2 एंड पैरेलल टू वेक्टर b बराबर b1i+b2j+b3j। अगर आप लोगों ने यहां तक लिख लिया तो देखिए ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस पे परपेंडिकुलर है, सो मैं यहां से बोल सकता हूं 3b1-60b2+7b3=0 और अनदर लाइन बिलीव 3b1+8b2-5b3=0। अगर मैं यहां से सॉल्व किया b1 को बाहर कर लिया तो यहां से 80-56, तो यहां से आ जाएगा b1/80, 16/5=80 और यहां से क्या होगा 56, यहां से 24 आ जाएगी इक्वल टू b2/, ये आपका b2, ये आपका इससे मतलब 21 और ये आपका क्या होगा 5+15 क्या हो जाएगा 21 और 15 जो आपका आएगा वो 36 आ जाएगा इक्वल टू b3/, ये आपका b3 हो जाएगा, ये 24 और ये क्या 48+ में, तो 24 और 48 अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ गया 72 पॉजिटिव आ जाएगा। याद रखिए अगर मैं बहुत सारी डिवाइड कर दे तो क्या होगा b1/12 से 2 बार में 12 से 3 बार में 12 से 6 बार में। अगर इसको मैं k मान लें तो b1/2k b2/3k b3/6k, तो यहां से b1 b2 b3 का वैल्यू निकल गया 236k। अब क्या करना है, यहां से b1 b2 b3 जो निकला है सो इसको मैं लिख सकता हूं, यहां से अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो b1/2k b2/3k b3 = 6k, ये निकल गया। अगर आप लोगों ने 236 के निकाल लिया तो इसके बाद का स्टेप तो बहुत ही है, इसको मैं मिटा लूं, चलिए 1-4 से पास भी करता है इसको भी याद रखना हम लोगों को, सो लाइन बना क्या होगा वेक्टर जो कि 1-4 से पास करते थे इसका क्या आ जाएगा 1i+2j-4k+λ×10 इस b1+b2 वेक्टर λ×10 वेक्टर भी होता है, तो b1i+b2j+b3k, तो ये मेरा b1 क्या होगा 2k, अगर मैं k बाहर निकाल ले समय के कॉमन आ जाएगी तो आराम से यहां पर इसके बाद में म्यू लिख दूं और आराम से लिख दूं 2i+3j+6k आराम से आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 20 था आप लोगों के लिए, अगर क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों ने समझ लिया तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, सॉरी 21 की तरफ। देखिए 21 में क्या बोल रहा है, 21 में कहता है प्रूव दैट इफ ए प्लेन है द इंटरसेप्ट एबीसी, देखिए कोई प्लेन है जो कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट क्या है एबीसी है, समझ गए, अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है वाई इंटरसेप्ट बी है जेड इंटरसेप्ट क्या है सी है,
तो यहां से मेरा हो सकता है क्या, सिंस एक्स इंटरसेप्ट ए दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट आपका बी दिया हुआ है, जेड इंटरसेप्ट आपका सी दिया हुआ है। सो आप लोग पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन दैट केस इफ एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इंटरसेप्ट विल बी गिवन, सो विल हैव गिवन, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी अपॉन जेड अपॉन सी इक्वल टू क्या होगा वन, ये मेरा इक्वेशन हो गया ना। अगर आप लोगों ने ये इक्वेशन जान लिया तो इसके बाद की बात क्या, इसके बाद क्या है कि अब इसमें कहता है प्रूव दैट इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटरसेप्ट, तो कहता कि एंड दिस एंड इज एट डिस्टेंस ऑफ यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला गया। सो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन B, आपका P दिया हुआ है, तो P बराबर मेरा क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ, इसमें एक्स वाई जेड की जगह पे मैं पुट करता हूं तो यहां पे आएगा जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो प्लस जीरो डिवाइडेड बाई एक्स की जगह पे जीरो, ये आपका माइनस वन इधर आ जाएगी डिवाइडेड बाई अंदर रूट वन अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी का स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, तो यहां से मैं क्या ऑपरेट किया वन अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी का स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी का स्क्वायर जो है वो मुझे क्या निकल गया वन अपॉन बी स्क्वायर, ये जो हो गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। अब देखिए इसके बाद आपका 21 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, देखना हम लोग 22 भी देख लेते साथ ही साथ, हम लोग 22 भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, 22 भी देख लेते फटाफट। 22 में कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस टू प्लेन्स, दो प्लेन दिया हुआ 22 में, दो प्लेन दिया हुआ है, एक प्लेन आपका पाई वन है देख लेना है आप लोग को 2x प्लस 2y प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है एंड दूसरा जो प्लेन दिया है वो आपका पाई टू है, वो दिया हुआ है 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ईजी है ना, कैसे कहेंगे हम लोग ईजी है, तो देखिए जब दोनों डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, दोनों प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर रहा है, सो डिस्टेंस जो मेरा होगा अगर ये मेरा पाई वन है तो जस्ट लाइक कुछ भी नहीं है कि आपका ये डिस्टेंस क्या है ज्यादा दूर पे है, तो ज्यादा दूर पे है, ये आपका कम दूर पे है, तो कम कहने का मतलब यही ना हुआ कि अगर मैं ये मान लिया ये चार डिस्टेंस पे चार यूनिट पे और ये आपका कितना यूनिट है ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन से 12 यूनिट, तो इस केस में क्या दोनों बीच का डिफरेंस आएगा तब तो निकलेगा। सो यहां पे कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाई वन एंड पाई टू जो मेरा होगा वो क्या होगा 12 में से 4 घटेगा और डिवाइडेड बाय इससे पाई वन का जो है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट, मैंने इसके मैग्नीट्यूड का जो होगा मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इतना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे क्या होगा 8 अपॉन 16 और 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन, तो 2x प्लस 3x प्लस 4z इक्वल टू 4 है, 12। अच्छा सॉरी यहां पे गलती मैंने कीजिए कर लिया, यहां पे 12 तक यहां पर क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 8 आपको, इसमें से अगर मैं 2 का स्क्वायर कॉमन लेते 4 इन रूट अंदर 2 का स्क्वायर पर 2 का स्क्वायर अगर मैं लिया तो 4 बाहर निकलेगी 2 ही निकलेगी बच कर जाएगी 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 टोटल ना कर आ गया 4 अपॉन रूट अंदर 2 रूट अंदर 29 2 से 4 टाइम्स में तो 4 अपॉन रूट अंदर 29 आ गया। तो कह रहा है बुक में कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस इज इक्वल टू 4